वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में है। ये जो रंग होते हैं, जो अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत रंग बनाए हैं इस दुनिया में, वक्तन फवक्तन हमारी चॉइसेस जो हैं बदलती जाती हैं। रंग जब हम छोटे होते हैं और ख़ासतौर पर गर्ल्स अट्रैक्ट होती हैं पिंक कलर की तरफ, और वो जो खूबसूरती होती है पिंक कलर की, वो चाहती हैं कि उनकी हर चीज़ पिंक हो। जब भी उन्हें कोई पिंक गिफ्ट मिलता है वो एक्साइटेड हो जाती है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। एक ज़माना आता है फिर आपको गोल्डन या सिल्वर या इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। ख़ासतौर पर जब आपकी शादी के दिन नज़दीक होते हैं तो आपको गोल्ड, मतलब सारी ज़िंदगी मुझे गोल्ड नहीं पसंद था, लेकिन जैसे ही शादी के दिन नज़दीक आए तो गोल्ड अच्छा लगने लगा खुद ब खुद। ये नेचुरल फिनोमेना होता है कि आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आपकी कलर्स की चॉइसेस चेंज होती जाती हैं, और जैसे जैसे फिर आप और उम्र रसीदा होते जाते हैं कलर्स, कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ी ज़्यादा उम्र में आपको ज़्यादा ब्राइट कलर्स जो हैं वो आपको फ्रेश कर देते हैं, और फिर एक सर्टेन एज पर जाके आप कहते हैं नहीं, प्लेन, क्लासी, पेस्टल, लाइट कलर्स। तो आपकी उम्र, आपके वक्त, आपके मौसम के हिसाब से कलर्स तब्दील होते रहते हैं। अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में आपको वाइब्रेंट कलर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और अभी आपको इर्द गिर्द अपने इस मौसम में एक खूबसूरत रंग बिखरा हुआ नज़र आएगा, और वो रंग यानी कि वो लाल रंग जो हर तरफ अनार बिखेरे हुआ है, वो रंग ना सिर्फ आपको फ्रेश करता है, आप देखते हैं हर तरफ ठेलों के ऊपर अनार के ये पहाड़ बने हुए हैं, एनर्जेटिक करता है, बल्कि अगर आप उसे इस्तेमाल करें तो आपके चेहरे पे भी वो लाली नज़र आ सकती है। आपको पता है अनार के कितने फ़ायदे हैं? ये फ़ायदे ऐसे हैं कि आप गिनते जाएंगे और आपकी उंगलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आज हम अनार, जो एक खूबसूरत फल है, खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत भी है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, जूस बनाएं इसका। मुझे अच्छे से याद है जब फरीद पैदा होने वाला था तो मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था, वॉमिटिंग्स हो जाती थी, तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि जो तुम्हें एनर्जी चाहिए ना, वो अगर तुम्हें खाने से नहीं मिल रही तो तुम अनार का एक ग्लास जूस पी लोगी तो वो तुम्हें ताकत वो मिल जाएगी जो एक रोटी की ताकत होती है। कैलोरीज की बात नहीं की डॉक्टर ने, डॉक्टर ने एनर्जी और ताकत की बात की, और वाकई मुझे एकदम बूस्टअप जो रखा वो अनार ने रखा, बड़ा संभाला रखा। और साथ में ये भी आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना जब मुझे हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त अनार का सीज़न ख़त्म होकर फालसों का सीज़न आया था, मगर जब अनार का सीज़न था तो मैं रेगुलरली दो, मतलब खाना छोड़ देती थी लेकिन दो ग्लास जूस अनार के पिया करती थी। उसकी वजह से इम्यून सिस्टम आपका ऐसे लोहे की तरह हो गया था कि जो मेरे इर्द गिर्द यानी मेरी फैमिली के ही लोग, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी को सिवियर सिम्टम्स हुए थे कोरोना के, और मैं ए सिम्टोमेटिक थी क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम बड़ा मजबूत था। असर हुआ कोरोना का एज़ के पॉजिटिव रिजल्ट आया, लेकिन जो तबीयतें ख़राब थीं, गला फलाना ढमाका ये वो सब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अनार के बाद फालसा शुरू कर दिया। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, जो मौसम के फल होते हैं, अल्लाह ताला इनमें क्या नेमत छुपा के भेजता है आपके लिए, आप जानते नहीं। मैं कहती हूँ होटल में खाना खाने पे पैसे बर्बाद नहीं करें, वो जो बजट है वो आप जो अल्लाह ताला ने मौसमी फल बनाया है उस मौसम का, उस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बनाया। आजकल फ्लू फैला है, आपको पता है ये खांसी नज़ला ज़ुकाम मुझे बहुत कम होता है, आप खुद इसके गवाह हैं। मैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ आके खड़ी हूँ, अब ये मुझे हुआ है ना कि मैंने अभी दो तीन दिन पहले वैक्सीन लगाई है फाइज़र की, तो कुछ असरात होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दो दिन मेरे हाथ में दर्द रहा और अभी मुझे नज़ला खांसी ज़ुकाम हो गया, लेकिन बहुत कम मैं बीमार होती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं मौसमी फल या तो जूस की शक्ल में ले लेती हूँ या मैं खा लेती हूँ, और अनार तो है ही मेरा फेवरेट। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि घर के हर फर्द को ये अनार खिलाया जाए। तो आज क्योंकि मैं घर के हर फर्द की बात कर रही हूँ, तो मेरे घर के यानी कि मेरे मैके वाले आप भी हैं, और इसलिए आपको प्रॉपर तलकीन की जा रही है आज के शो में ढाई घंटे कि अनार के फ़ायदे कितने हैं, सिर्फ खाने के नहीं, क्या क्या और उससे आप फ़ायदे उठा सकते हैं। मौसम है, वो कहते हैं ना, मौका, महल, मौसम, सब कुछ है। आइए ये शो देखिए और अपने चेहरे पर लाली लाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपसे कहा
जो आपको हर तरफ लाल रंग नजर आ रहा है, अगर आप अपने चेहरे पर नुमाया चाहते हैं वो लाल रंग और अपनी फैमिली को भी इसी तरह देखना चाहते हैं खुशबाश हशाश। वैसे तो जो प्राइसेस हो गई हैं हर चीज़ की उसमें बंदा खुशबाश नहीं हो सकता, लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए खुशी, जो क्रिकेट मैच हम जीते हैं उसकी एक हफ्ते की खुशी तो आप ज़रा एक्सप्रेस कर लीजिए। आज हमारे पास वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि जो लाली आपकी पूरे मुल्क में फैली हुई है अनार की सूरत में, वो आपकी बॉडी आपके चेहरे पर लाली कैसे लाए। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर बिल्कीस, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर मिराइल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? अल्लाह का शुक्र ठीक। वो अजीब लग रहा है मेरे पीछे लाल रंग एकदम आ गया मेरे बैकग्राउंड, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर काशिफ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड डॉक्टर बतूर क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। लालम लाल हुए हैं खुशी की जीत में, है ना? मुझे तो अंदर से इतनी खुशी है, मैं अभी मेकअप आर्टिस्ट जो शाइन से गई थी, एक साल के लिए काफी है, है ना? इतनी जबरदस्त जीत तो एक साल के लिए खुशी के लिए काफी है। कछुआ और खरगोश की हो गई कि बिल्कुल। और हमारे जो बैट्समैन और बॉलर्स हैं जो तैयारी करके गए थे, नजर आ रही थी बिल्कुल चौकन्ने। एक इंटीग्रेटेड गेम जो है वो अलहदा पता चल रहा था। ओहो, और वो भी राइवल्स के अगेंस्ट, मजा ही आ गया बिल्कुल। मतलब इमेजिन कि मैं और मेरे हस्बैंड क्रिकेट के इतने शौकीन ही, लेकिन ये जो मैच था इसने इतना अट्रैक्ट किया कि मैं उस वक्त रिसर्च करी थी। अच्छा लिखा आता है ना कि ये बैट्समैन कौन है, ये बॉलर, इसकी क्या हिस्ट्री है, मैं सबको देख रही थी, मैंने कहा ओ वाओ क्या मैच खेला, मजा आ गया। ऐसा मैच सदियों में होता है, सदियों में होता है, सीरियसली, है ना? मतलब लाइक एक खुशी, वो सब कह रहे थे ये थोड़े दिन का गम भूल गए, पेट्रोल की ज्यादा सोने में इजाफा, डॉलर के रेट, ये थोड़े दिन का गम हम बुलाने के लिए अच्छा है। अच्छा जी, अनार, जैसे कि मैं अभी यही कह रही थी कि अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है कि जो वो मौसम में गड़बड़े भेजता है कि फ्लू का जमाना है, नज़ला खांसी जुकाम, एक जमाना आता है गर्मियों में जब आपका मौसम बदल रहा होता है उस वक्त फालसा आता है, और एक जमाना ये आता है जबकि माल्टा और ये सब शुरू हो जाते हैं और अनार। तो ये खुदा की ऐसी कुदरत है कि वो जो बीमारी भेजता है उसके साथ उसका इलाज भी भेजता है। तो अनार से को आज लोगों को देखिए ना कन्विंस करने के लिए उनको ये बताना पड़ता है कि जो ये चीज आपने खानी है इससे क्या होगा। मेरी बेटी को फॉर एग्जांपल, बच्चों की साइकी होती है, मैं कहती हूँ अब उसको शौक है उसकी स्किन और उसके बाल अच्छे हो ना, लंबे हो जाए, और वो तो पहले तो ये लोग सुनते नहीं थे खाने पीने के लिए, लेकिन अब जब मैं उसको ये बताती हूँ कि ये खाओगी तो ये होगा तो वो स्पेशली वो चीज खा रही हो, बिल्कुल। तो ये इंसान की साइकी है और उस साइकी से, जैसे कि मैं मैके वाले कहती हूँ, उससे खेलने के लिए क्या आपका फायदा पहुंचाने के लिए हमने आज का शो डिजाइन किया है। अनार से आपके चेहरे पर लाली कैसे आए? डॉक्टर बिल्कीस आपसे शुरू करते हैं, अनार को कैसे पोर्ट्रे करना चाहिए? जी, अनार को आप जैसे अगर खूबसूरती के बारे में कहा जाए तो कहते गुलनार जैसा चेहरा है, गुलनार अनार के फूल को ही कहा जाता है। तो इसलिए जो है ना, अगर आपको गुलनार बनना है, गुले अनार बनना है, नाम भी गुलनार इसलिए रखते हैं लोग कि अनार का फूल, हाँ। यानी कि खूबसूरती से लाल, सुर्ख और सफ़ेद, ये सुर्ख और सफ़ेद इसलिए करता है, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट डिजीज़ को दूर रखता है। अगर मैं इसको खोल के बताऊँ तो हार्ट के चार चैम्बर आपको अंदर नज़र आएंगे, पूरे चारों चैम्बर, और ये आपके ब्लड की तरह है। अगर खुल जाए ना तो मैं बताऊँ, ये देखें कुदरत ने इसको इस तरह जोड़ के रखा है, ये जो चीज़ होती है ना ये चार चैम्बर की तरह है, और ये अल्लाह ने जिस तरह इसे जोड़ा है वो इंसान के बस की बात नहीं है। जिस तरह हमारे ब्लड वेसल्स हैं, अगर मैं इसको खोलती हूँ कोई दाना दूसरे दाने की तरह नहीं है, ये हमारे जैसे हमारे ब्लड सेल्स की तरह है। अगर इसको देखें तो ये क्या करता होगा, भी दी जाती है ना किसी चीज़ को किसी चीज़ से, तो ये हमारे खून की ही तरह है, और जिस तरह हम अपना खून जोड़ नहीं सकते, बाइंड नहीं कर सकते, इसी तरह इसका एक एक दाना जो कुदरत ने इसमें जोड़ दिया है, पिरो दिया है, वो हम कर नहीं सकते। इसीलिए नेचुरोपैथी में कहते हैं एक अनार 100 बीमारियों को दूर करता है। ये तो हमने बचपन से पढ़ा जी, है ना, बिल्कुल की बुक में कायदे में होता था, हाँ। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार को बीमारियों को दूर करता है, चाहे आपके बालों का मसला हो, चाहे आपके आंखों का मसला हो, चाहे आपके हार्ट का मसला हो। मैं तो हम जितने भी हेल्थ की बात करें लोगों को चाहिए कि कोई ऐसा मैजिकल चीज मिल जाए जिससे स्किन सही हो जाए, हाँ। तो मैं एक ब्यूटी मास्क बनाना बता रही हूँ अनार की मदद, अच्छा। से उससे बहुत फर्क पड़ता है सर्दियों में,
लोग समझते हैं कि गर्मी नहीं लगेगी तो स्किन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, उल्टा हो जाता है, स्किन डल हो जाती है, और वो डलनेस क्रीम भी लगानी है, क्रीम ना लगाएं तो स्क्रैचेस और अजीब से चेहरा हो जाता है, रैशेस पड़ जाते हैं, तो ये आप ब्यूटी मास्क बना, ब्यूटी मास्क बनाना बता रही हूँ, और बहुत आसान आसान है। आपने क्या करना है, आपने इसके लिए लेना है अनार का जूस, तकरीबन तकरीबन आप 2 चम्मच ले लें, ज़्यादा नहीं लेना, बाकी आप पी लीजिएगा। अच्छा ठीक है, इसमें हम डालेंगे दही। अच्छा, अनार के जूस में दही, बिल्कुल। इसमें 1 चम्मच डालूंगी, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ओके ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन टी को मैं जो ना उबालने मैंने रखा है, हल्का सा हमें ग्रीन टी भी चाहिए। अच्छा हाँ, बस थोड़ा सा ग्रीन टी, 1/2 टीस्पून। अच्छा ठीक है, इसमें मैं भर कर डालूंगी गुड़ या शक्कर या ब्राउन शुगर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये, और इसमें एक और चीज जाएगी, कॉफी। कॉफी, कॉफी बहुत कम। आप यकीन करें, आप ये ब्यूटी मास्क या ब्यूटी मास्क है या स्क्रब है? नहीं, मास्क है, ये मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा सारा। मैं वही का ब्राउन शुगर तो थोड़ा सा वो हो जाएगी, नहीं मेल्ट हो जाएगा सारा स्क्रब करने में। ये देखिए जैसे इसका पहले कलर आया था ना दही में मिलके, ये आपके स्किन को वही ब्यूटी देगा इंशाल्लाह। ये आपकी डेड स्किन को निकालेगा, नई स्किन को लाने में आपकी मदद करेगा। कंसिस्टेंसी बहुत पतली है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये कैसे फिर मैं आपको बताती हूँ। ऐसे करना, देखिए ये किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, आपको मसाज भी करनी है? मसाज करनी है क्लॉकवाइज। देखिए जहाँ जहाँ स्किन को ज़रूरत है ना वहाँ ये फट जाएगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ पे लेयर बना लेगा। जब तक आपकी स्किन जैसे ये पी रहा है ना स्किन, तब तक आप इसको लगाते रहे। आपने दही डाला, अनार का जूस, जी बिल्कुल, ग्रीन टी, कॉफी एंड ब्राउन शुगर, ये 5 चीज़ें आपने हमारे सामने, बिल्कुल देखें, और इससे ये मास्क। और कितनी देर आप अपने फेस पे कह रही हैं लगाएं? फेस पे लगाएं, बॉडी पर लगाएं, आपने ये लगाने मसाज इसकी 15 मिनट करनी है। अच्छा, मसाज पर मसाज 15 मिनट करना है। 15 मिनट के बाद आप इसको पोंछ ले, धोइएगा नहीं। हाँ। जब आपको महसूस होना कि कुछ खिंचाव हो रहा है तब जाके आप धो लीजिएगा। जैसे लेफ्ट ओवर है ना, जैसे मुझे लगता है कि नहीं बस अब बहुत हो गया, मैं इसको टैप कर लूँगी या इसको इस तरह करके लेकिन धोऊंगी नहीं, धोऊंगी मैं 1.5 घंटे बाद। आप देखेंगे एक नया ग्लोई लुक आएगा जैसे ही। अच्छा, इसको आप एक और आजमा लीजिएगा, जब आप फेस वॉश करेंगे उसके बाद आप देखेंगे पानी चेहरे पर ठहर ही नहीं रहा, यानी कि इम्प्योरिटीज इतनी साफ हो गई है वो पानी बिल्कुल नहीं ठहरेगा। अच्छा, जैसे आप फर्ज करें ना, लाइक बहुत शादियों का सीजन है और हमें अटेंड करने भी जाना होता, तो आप चाहते हैं कि आपकी स्किन फ्रेश लगे खासतौर पर इस मौसम में, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर रात को जाना है शादी में तो कितने दिन तक मैं ये करती रहूं तो फिर मेरी स्किन जरा अच्छी लगे? आपको इसका रिजल्ट पहली ही एप्लीकेशन से मिलेगा। अच्छा, इसको लगाने का बेहतरीन तरीका सोने से पहले। अच्छा, ताकि आपकी स्किन हीलअप होती रहे पूरी रात। तो आप सुबह रात लगा के सो जाएं? नहीं, जैसे आपने लगाया, जैसे का 1 घंटे रखा, उसके बाद आपने धो लिया, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई मॉइस्चराइजर लगाना है तो लगा लीजिएगा, वरना इसका जो हमने किया है उससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। धोने के बाद आपने अगेन अनार का जूस जो है ना टैपिंग करनी। अच्छा, ये इससे रुई ले लें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप टैपिंग करें धोने के बाद या उसके बाद फिर दोबारा धोएं? ये नहीं नहीं, ये नहीं धोएं। अच्छा, ये विटामिन सी का खजाना जो है ना, आप कह रही हैं कि फिर उसके बाद जाके सो जाएं? बिल्कुल, आप सो जाएं, आप जब सुबह उठेंगे तो आपको एक नया चेहरा मिलेगा, फ्रेश और ग्लोई लुक वाला। ऐसा ना हस्बैंड पहचाने ना, ये कौन है, नया चेहरा। हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, एक और बात, इसकी खास बात ये है कि ये इसका ऐसा कोई नहीं है कि आप बच्चों को नहीं लगा सकते, बड़े नहीं लगा सकते। बस अगर इसकी आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है ना, जैसे इचिंग वाली स्किन है, तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते। अच्छा अच्छा, ताकि और ज़्यादा अच्छा। हम इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा फिर रिपीट कर लें। इसमें इन्होंने दही, अनार का जूस, ग्रीन टी, कॉफ़ी एंड ब्राउन शुगर, ये 5 चीज़ें डाली हैं। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई, रैशेज वगैरह टाइप है, उसमें कोकोनट ऑयल आप मिला लेंगे,
ये लगाने के बाद आप धो लेंगे, मसाज करें 15 मिनट एक घंटा तक लगाएं, उसके बाद ये धो लें। और उसके बाद डॉक्टर मैकीज ये भी कह रही हैं कि अनार का प्योर जूस जो है वो आप फेस पे लगाकर सो जाइए, रात का टाइम बेहतरीन रहेगा। तो अगर आपने वो आजकल इवेंट्स बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गए, कोरोना में कुछ कमी हुई है, तो अपने आप को फ्रेश दिखाने के लिए बेस्ट चीज़, बिल्कुल बेस्ट चीज़। और रोज भी चाय लगा सकते हैं, रोज लगा, एक दिन छोड़ के लगा, रोज लगा सकते हैं, रोज आपने स्क्रब नहीं करना है। आप ऐसे ही लगा कर धो लीजिएगा हफ्ते में दो बार अच्छी तरीके से, स्क्रबिंग जैसे ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको जस्ट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो यहाँ एक ब्यूटी वो कहते हैं ना क्या, ब्यूटी कंप्लीट पैकेज आपको बता दिया गया है। अब सबके दिमाग में अलग अलग एक्सपर्टीज हैं, आइए वो सब जानते। जी डॉक्टर मेराहिल, आज आप क्या बता रही हैं? अच्छा जी, हम बनाएंगे आज डेड और डल स्किन के लिए स्क्रब। अच्छा, इस मौसम में स्किन बहुत रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, किसी की पैची हो रही होती है, स्किन उतर रही होती है, और जैसे अभी आपने कहा कि इन दिनों के अंदर ना चेहरा डल होने लगता है, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, कलर डार्क होने लगता है, उसके लिए हम स्क्रब बनाएंगे और वो बनाएंगे अनार से। अच्छा, अच्छा, इसमें हमने लिया क्या है, एक ने बता दिया हमें मास्क, एक बता रहे हमें स्क्रब, स्क्रब। अच्छा, उससे जो आपके नकल्स हैं, कोहनियाँ हैं, नीज हैं, जो गर्दन काली है, ये सब साफ हो जाएगा। अच्छा, आप फोकस बॉडी पे कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और सर्दियों में तो अजीब ही हाथ हो जाते हैं ना, मतलब अपने हाथ ही नहीं लग रहे, बहुत बुरे हो जाते हैं, किसी अंकल के हाथ लगते हैं। सीरियसली, मैं तो छुपा लेती हूँ ना यूं करके कि क्या करूँ। नहीं तो आप पहले स्क्रब लगा, इतनी क्रीमें लगाती हूँ उसके बावजूद भी वो अंकल आ जाते हैं कहीं ना कहीं। अब नहीं होगा। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले अनार का फूल लेना है। हाँ, अनार का फूल हम लेंगे 1 टीस्पून। इसमें अनार का छिलका जो है वो ड्राई, जैसे अभी फ्रेश छिलका, इसको सुखा लें, उसको इसके बाद इसका पाउडर लेंगे, ये भी फाइन पाउडर लिया हमने, ये भी 1 लेंगे टीस्पून। अच्छा, एक तो आपने अनार का पाउडर लिया अनार के छिलके को सुखा के, और दूसरा आपने अनार का फूल, अनार का फूल का पाउडर, और दूसरा अनार का छिलका, छिलके का पाउडर, अभी दो पाउडर्स लिए जी, एक छिलका लिया है हमने, एक फूल लिया है, दोनों का बिल्कुल फाइन पाउडर बनाया है, दोनों को 1 टीस्पून लिया है। ठीक है, इसमें हम दही जो है ऐड करेंगे, दही का बल्कि पानी ऐड कर, दही का मतलब काफी अमल दखल रहे अनार के साथ मुझे लग रहा है। एक्चुअली होता है कि जाहिर सी बात है लैक्टिक एसिड भी है। मेरी बेटी अभी कुछ दिनों कही थी, मम्मा एक नया कॉम्बिनेशन आपको बताऊं, दही का रायता आप बनाइए ऐसे फेंट के, उसमें अनार डाल के खाएं, बहुत दोस्त ने बताया है। ओ, हो, तो अब मैं आपसे ये ब्यूटी फैक्ट्स जो सुन रही हूँ उसमें भी दही है, तो ये तो बड़ा नया कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो रायता जो बताया वो बहुत ही मजे का बना है ना, बहुत अच्छा बना। मैंने कहा वाह भाई, मेरी बेटी भी सुघड़ हो रही है। अच्छा, इसमें चौथी चीज डालेंगे ग्लिसरीन। एक्चुअली सर्दी में जो है मौसम जो अभी चेंज हो रहा है, स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, ग्लिसरीन जो है उसको बहुत एक लंबे अरसे के लिए मॉइस्ट रखेगा, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा उसके अंदर। अच्छा, अगर आप वॉश भी कर लेंगे तो आपके दही के बाद आप ग्लिसरीन डालिए, ग्लिसरीन डालिए। ठीक है, ये आपका ऐसे पेस्ट बन गया है, आप पाउडर मिला के रख लीजिए। अच्छा, इसको रोजाना नहीं करना है, हफ्ते में दो बार। अच्छा, डेली नहीं होगा वरना स्किन छिल जाएगी। इसको आपने क्या बस तरह से बना लिया, वो स्क्रब टाइप बना लिया ना, बिल्कुल। और अब आप लगा के नकल्स पे, कोहनियों पे, घुटनों पे, जहाँ जहाँ पूरी बॉडी पे, उनके फेस रेगमाल करनी है। अच्छा, इसको फेस पे भी लगा सकते हैं, बहुत माइल्ड है ये। हाँ, इसमें कोई इतनी ज्यादा जिसमें ग्रैनुअल्स नहीं आ रहे कि आपके स्किन को हार्श या डैमेज करे। पैर के ऊपर की स्किन ऐसी हो जाती है, मतलब जैसे अजनबी सी स्किन, बिल्कुल बहुत रफ हो जाती है। हाँ, और अजीब से सफेद सफेद धब्बे आने लगते हैं। आप क्रीम तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप हफ्ते में दो बार तीन बार स्क्रब कर लेंगे तो अब आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, रफ नहीं होगी। आपने इसको लगा के खूब मसाज करना। ठीक है, मसाज करके इसको आपने मतलब नहा लें, शावर ले लें, जब भी है वॉश कर लें, लेकिन हफ्ते में दो बार जरूर करें। ओके, तो ये जितने भी नकल्स वगैरह हैं या रफ स्किन है या पैची स्किन हो रही है वो सब क्लियर हो जाए। जैसे आप अंडर आर्म्स वगैरह भी कर सकते हैं, आराम से पूरी बॉडी पे उसको लगाइए। जैसे शावर लेते आपने पहले बॉडी को गीला किया, डैम्पन करके, और पूरी बॉडी पे लगा के खूब मसाज किया, और उसके बाद शावर ले लिया। ओके, और फिर उसके बाद आपको लगाने की कोई ऐसे कोई जरूरत नहीं होगी, जस्ट आपने एक कतरा ये ग्लिसरीन का लिया, जैसे हल्का सा इस तरह से किया। हाँ, अपने उसको कला उसको हथेली को, और पूरी बॉडी पे लगा लिया। ओके, मतलब यूँ समझ लें फिर आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बॉडी ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे के लिए मॉइस्चर जो है ना आपका लॉक हो जाएगा, तो आपके स्किन पे ड्राइनेस नहीं आएगी। मतलब हम फेस पे तो लगा लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि अभी जैसे इन दिनों में ना एक्जिमा के सोरासिस के पेशेंट बहुत आते हैं, वो एक्जिमा सोरासिस बढ़ जाता है, ड्राइनेस होती है तो वो बढ़ता है। आप जब इस तरह से करना शुरू कर देंगे तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ड्राइनेस जो है ना कम कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद आके दूसरे डॉक्टर्स के पास हम जाएंगे यहाँ, और आपको अनार
जो पूरे शहर में लाली नजर आ रही है वो आपके चेहरे और बॉडी पे लाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। मैंने कहा मैं भी लाल कप ले लूँ, लाल अनार, कोई इश्तिहार नहीं बन रहा यहाँ। जो शानदा पी रही हूँ मैं, जो शानदा पीऊँगी तो आवाज़ निकलेगी, वरना मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। मेरे पीछे डॉक्टर बिल्कीज बोल रही होंगी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नेता यासमीन। तो जी आज अनार, ये इतना बड़ा इन्होंने अनार लगा दिया, मुझे तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं गूंगा शो भी कर सकती हूँ इशारे करके कि आज हम इसके ऊपर शो कर रहे हैं। हर तरफ अनार है। हमारे सेट वालों ने भी ना फुल, वो नहीं होती जो स्कूल में नहीं होता अनार डे, तो हर तरफ टीचर्स ने काट काट के लटकाए होते हैं। आप कुछ ही मुझे क्लासरूम लग रही है। तो पहली टीचर जो है उनका पीरियड हो चुका है, फिर दूसरी टीचर ने भी अब जो हमारे मेल टीचर हैं स्कूल के वो आएंगे। डॉक्टर काशिफ क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहूंगा इनकी, आप वो देखिए ना, मतलब इतने एफिशिएंट हैं ये। इन्होंने कहा अनार, इन्होंने अपने वार्डरोब को खोला, वहां से जो लाल शर्ट निकली। डॉक्टर बिल्कीस ने भी एफिशिएंसी दिखाई, लेकिन चलें खवातीन तो लाल रंग है, लेकिन नहीं वो डॉक्टर काशिफ ने जो लाल, मैंने आपको बताया हुआ क्या था, किसकी वजह से पहनना पड़ा। मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ। ये देखिए हम ड्रेस कोड तो मैं फॉलो करता हूँ। हमारा तो दिमाग ही नहीं गया ना कि अच्छा लाल रंग का लाल कपड़े पहने आप, वरना मैं सिलवाती। जी डॉक्टर काशिफ जी, बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, शौक से जो नहीं खाते अनार वो रहते हैं कमजोर बीमार। आप शायर तो नहीं? कभी कभी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ शायरी। लेकिन वाकई अनार इतनी जबरदस्त चीज है, आपको पता है ये एक वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट फ्रूट है। आप खुद देखें इसके सर पे ताज है, तो मैं तो कहूंगा एक राजा है, फ्रूट्स का राजा है। और ये देखिए वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट फ्रूट का इसका नाम है। ये आपकी स्किन ग्लो, लॉन्ग हेयर, स्ट्रॉन्ग नेल्स, हार्मोनल इम्बैलेंस को इम्प्रूव करता है, आपके हार्ट को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर को इम्प्रूव करता है, साथ साथ ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता है, बहुत सारे कैंसर से बचाता है। अच्छा डायरिया कम करता है ये आपको, ये बड़ा अच्छा है इसके लिए। इम्यूनिटी बढ़ाता है, एनीमिया बढ़ाता है, एंटी एजिंग है और वेट लॉस में हेल्प करता है। ये तो पूरा गूगल खोल दिया जी। और आप यकीन ये पेज कम पड़ गया था, छोटा पड़ गया था। और भी चीजें इसमें फाइबर है। अच्छा सबसे बड़ी बात है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये मैं बता दूं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, फैट भी नहीं है, वाइटामिन सी और डी और पोटेशियम से भरपूर है। असल में निदा मैं एक और चीज इसमें बताऊँ, स्पेशली जो लोग एक्सरसाइज करते हैं आजकल, बहुत अच्छी बात है आपके शोज से लोग बहुत एक्सरसाइज करना सीख रहे हैं, तो लोग एक्सरसाइज से पहले उनको एनर्जी का प्रॉब्लम होता है, क्रैम्स आते हैं, तो अनार का जूस पी के एक्सरसाइज करें, दे फील सो गुड। बहुत अच्छा आइडिया है। सीरियसली कभी क्या होता है आपकी टांग वैसे ही रह जाती है जो आपने उठाई होती है, इतनी बुरी तरह। सही कह रही है, सही कह रही है। अटक जाती है जिस एंगल में आपने टांग उठाई है, नीचे ही नहीं होती ना, स्क्वाट्स कर रहे हैं तो ऊपर ही नहीं होता बंदा कभी। नहीं आप सही कह रहे हैं, ये इतना आपको एनर्जी देती है, सबसे बड़ी एनर्जी देती है और फिर आपको क्रैम्प से बचाती है। क्रैम्प्स बहुत लोगों को आते हैं ड्यूरिंग ट्रेडमिल या वो करते हैं। आप ये कहते हैं कि एक्सरसाइज से एक डेढ़ घंटे पहले अनार का जूस पी लें तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फायदेमंद है, और खासतौर पर सर्दियों में तो वैसे भी। आप कुछ एक बक्सा ही निकाल रहे होते हैं छत से, एनर्जी लो लगती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एनर्जी आपको मिल रही है, इम्यूनिटी मिल रही है, मतलब इसकी जितनी तारीफें की जाए कम है। मतलब मैं इसकी कोई नेगेटिव पॉइंट निकालना चाह रहा था वो नहीं निकाल पाया। रिश्ता पक्का है, बिल्कुल से रिश्ता पक्का है हमारा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा से रिश्ता पक्का है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब ये सीजन में आता है। या बिल्कुल सही कह रही है, अल्लाह ताला ने जो सीजन में जो फ्रूट निकाला है वही हमें खाना चाहिए। जूस वाला आइडिया दे दिया और दूसरा ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लिप्स आपकी स्किन अच्छी है, बाल अच्छे हैं, लेकिन आपके लिप्स अगर डार्क हैं, स्पेशली जो स्मोकर्स हैं, देखा है बहुत यंग बच्चियों के सस्ती लिपस्टिक्स लेकर उनकी क्यों लिप्स डार्क हो जाती है, क्या होता है लिपस्टिक में ऐसा? केमिकल जो होता है जो आपको पिगमेंट दे रहा होता है, जो डाइज में होता है, पीपीडी जिसको कहते हैं, वो इंक्लूडेड होता है और वो बहुत चीप केमिकल है बेसिकली। अच्छा लड़कियों के तो है ही है, मर्दों के भी सिगरेट पीने से, सिगरेट पीने से होते हैं। अच्छा एक और चीज है, हार्मोनल डिसबैलेंस, ये बहुत कॉमन है लड़कियों में खासतौर पर, क्योंकि हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। उसके लिए मैं तीन चीजें बताता हूँ बहुत ईजी, कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें, चिकन और अंडा ना खाएं, स्पेशली हार्मोनल, अगर देसी अंडा देसी चिकन खा सकते हैं मुश्किल है, और ना जल्दी उठें और जल्दी उठें, और ना टेंशन लें ना टेंशन दें, ये भी बहुत जरूरी है। आपने कह दिया, ये हो गया, मतलब एटलीस्ट हम बता तो सकते हैं ना लोगों को, है ना। अच्छा तो लिप्स की बात करते हैं, लिप्स का आपकी अक्सर ड्राई हो जाती है, डार्क हो जाती है, तो आपको कैसे लिप्स चाहिए होते हैं? गुलाबी, गुलाबी लिप्स चाहिए ना, तो गुलाबी लिप बाम है, बहुत आसान है, इसका नाम ही गुलाबी लिप बाम है। गाव से घी ग्वार जो एलोवेरा एक चम्मच है, गुलाबी गाफ लाम अलिफ बे छोटी शुरू कर दिया। मैंने कहा होना चाहिए ना सबके लिए आपका।
उसी में बना लो। कोशिश यही होती है। लाता तो सिंधी लाएंगे। अगली क्लास में सिंधी होगी। अरबी न ले आए। देखिए हमारे साथ हमारी लैंग्वेजेस हैं, है ना? अच्छा, गुलाबी। अच्छा, तो गाव से है घीगवार, जो कि एलोवेरा है एक चमचा, ठीक है? एलोवेरा को घीगवार घीगवार कहते हैं जी। ओहो, ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ। वाओ। और लाम से है नींबू का रस, ये आधा चम्मच, ठीक है? अच्छा, एक चमचा अनार का रस है, ठीक है? और एक बड़ा चमचा इकॉस, इकॉस एक इवनिंग प्रिमरोज जो ऑयल है, जो आता है उसके हमने निकाला हुआ है उसको, ऑयल को, और उसको आप लगाएंगे। बेसिकली इवनिंग प्रिमरोज है जी, इकॉस जी। और ये से है योगर्ट, वही अगेन वाली दही एक चम्मच, ठीक है? बहुत ही आसान है दही तो, बिल्कुल। आप दही और अनार का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप सही कह रही है, तो आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपका आ गया घीगवार एक चम्मच, ठीक है? ये ताजा एलोवेरा जेल निकला है, ताजा एलोवेरा जेल निकला है। घीगवार को छोड़े ना, एलोवेरा, एलोवेरा जेल। अच्छा, और लेकिन नींबू का आधा चम्मच, जितने मैं आपको क्वांटिटी बताऊं उतने यूज करें। अनार का रस है एक चम्मच, ठीक है? इकॉस हमने निकाला हुआ है, जो आपका इवनिंग प्रिमरोज है उसका एक चम्मच हमने लिया। आपके पास कोई कैप्सूल पड़ी है? जी, ये वाली रखी हुई है, ये इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है, इवनिंग प्रिमरोज का नाम जी। आपने कितनी टैबलेट्स निकाली? मैंने चार निकाली है, तो चारों को मिला के जी उनको यूज कर लिया, ठीक है? अच्छा, फिर ये योगर्ट है जो कि दही है, इसका एक चम्मच। आपने बिल्कुल सही कहा, दही से आप जितना मिलाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और ये आप मिक्स करके इसको आप लिप्स पे लगाएं। लेकिन ये मैं बताऊं एज अ डॉक्टर कि पहले का हार्मोनल बैलेंस है, या प्लीज जो स्मोकिंग करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज छोड़ दें। स्मोकिंग का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और स्मोकिंग बड़ी आसानी से छुड़ी जा सकती है अगर आप कोशिश करें। ये देखिए इतना खूबसूरत कलर आ रहा है इसमें, गुलाबी रंग आ रहा है इसके अंदर दही के साथ। और ये आप इसको आराम से लिप्स पे लगा लें। अच्छा, ये आप बना के जो रखेंगे कितने दिन तक रख सकते हैं? ये आपका पूरा एक दो हफ्ते चल सकता है। आप इसको फ्रिज में रख दें जी, बिल्कुल फ्रिज में रखें। और सिर्फ रात में लगाइए। अच्छा, रात में लगा के सोने से पहले लगा के सो जाए। रात में लगा के सोने से पहले लगा के सो जाए। मैं आपको लगा के दिखा दूं। ये देखिए, ये देखिए कब लगाइए, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसके अंदर। और आपके लिप्स को बड़ा ही खूबसूरत बनाएगा और बहुत अच्छा बनाएगा। क्या ख्याल है? लेकिन जो चीजें हम बताते हैं हमें खुद भी यूज करनी चाहिए, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज्यादा ज्यादा मुस्तफीद हो। क्या है, ठीक है? थैंक यू। नहीं तो मुझे आप बताएं कि लाइक ये दिन में नहीं लगा सकते? नहीं, दिन में इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सनलाइट से कभी रिएक्ट कर जाता है। अच्छा, ठीक है ना, तो अवॉइड करें। ये सब रेमेडी ज्यादातर रात के लिए सही होती है क्योंकि हम उसको सनलाइट से अवॉइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। ये पिंक लिप्स वाली चीज बेस्ट है, उसकी रीजन ये आजकल बहुत लोग इसे सफर कर रहे हैं, लड़के लड़कियां बच्चे बूढ़े। मेरे शो पे आते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ हमारे पास कितने सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको लिप्स की प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। डॉक्टर बतूल, आप क्या बताएंगे अनार को? मैं बता रही हूँ नाइट सीरम फॉर स्किन, नाइट सीरम फॉर स्किन। अंडर आई पफिनेस हो जाती है। बेसिकली अनार में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो आपके डार्क सर्कल को खत्म करेंगी, अंडर आई पफिनेस खत्म करेंगी। तो ये बेसिकली इट्स लाइक अ नाइट सीरम मास्क आ गए हम। अच्छा, सीरम होते हैं बट दैट गिव्स यू सो मच टाइटनिंग इफेक्ट कि हम उसको मास्क का नाम देते हैं। अच्छा। तो सीरम भी है, एक्ट लाइक अ सीरम। सीरम बेसिकली इसलिए कहा जाता है, सीरम थर्ड लेयर तक के पेनिट्रेट करता है। हाँ। और मास्क आपके फर्स्ट लेयर पे रहकर आपकी स्किन बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। तो जो चीजें मैं मिला रही हूँ वो सीरम भी है और मास्क भी है। तो वो आप रात में लगाकर सोएंगे, उसको आपने 20 मिनट बाद रिमूव नहीं करना है, ओवरनाइट रखना है। सुबह जब आप उठेंगे तो अनार में इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी पफिनेस आपकी यूँ गायब हो जाएगी ओवरनाइट। आप लगाएंगे, आपकी यूनिटोन स्किन होगी, पफिनेस ख़त्म और डार्क सर्कल ख़त्म। बहुत आसान से इंग्रेडिएंट है, हमने लिया है अनार के छिलके का पाउडर हाफ स्पून। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ स्पून टेबल स्पून दूध, खुश दूध बिल्कुल, ठीक है। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच अनार का जूस फ्रेश। इसको हम मिक्स कर लिया। अब लास्ट में मैं इसमें शामिल करूंगी 1 विटामिन डी की कैप्सूल 1000 IU की। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली, अब इसमें देखें सारे विटामिन्स आ गए। अनार के जूस में पॉलीफिनॉल्स, विटामिन सी सब मौजूद है। और क्यों पॉलीफिनॉल्स की वजह से ये पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी कहलाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होती है। पोटेशियम हम क्या करती है, जो बारीक बारीक लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं उनको बाइंड करती है। चाहे आपके बाल फट रहे हों उनको भी जोड़ता है पोटेशियम, चाहे आपकी स्किन पे लाइंस पड़ रही हों उनको भी बराबर करता है। और एक मैंने ली है विटामिन ई की कैप्सूल, बी भी डाला है आपने, विटामिन डी की कैप्सूल 1000 IU की, बिल्कुल। अगर जिनको कैप्सूल ना मिले विटामिन डी की, वो बच्चों के ड्रॉप्स आते हैं विटामिन डी के, वो मिक्स कर सकते हैं, वो भी 1000 IU 5 ड्रॉप्स डालते हैं, बिल्कुल। बस ये टोटल चीजें आप देखें, ये सीरम तैयार हो गए, ताजा ताजा सीरम तैयार करें।
हम रिपीट करते हैं, अनार का जूस आपने 2 टीस्पून लिए थे, 2 टेबल स्पून सॉरी, आधा चम्मच डी, बिल्कुल आधा चम्मच दूध लिया था, खुश दूध, आधा चम्मच लिया था अनार के छिलके का पाउडर, एक मैंने ली थी विटामिन ई की कैप्सूल और एक मैंने डाली है विटामिन डी की कैप्सूल। 4 आप लोग आपने इसमें चीजें डाली है एंड देन ये सीरम आप ताजा ताजा लगा लेंगे। अच्छा अब ये देखिए ये ऐसे मसाज करना है और आपने कहा ये ओवरनाइट लगाना है, आपने यहाँ पे मसाज करना है। अच्छा जब भी मसाज करें उसके बाद आपने, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है बल्कि बच्चियों तक को शिकायत है कि यहाँ पे लाइंस क्रोस फीट जिसको कहते हैं या ये चीज़ आपकी ढलक रही है, इसका ढलकने का पर्पस बेसिकली जो या फैक्टर जो सामने है वो है ये ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट इसमें मोबाइल की, मोबाइल की हम जब यूँ देखते हैं या पढ़ते हैं तो ये आपका मसल नीचे आता है, ये मसल नीचे तो वो आपका देखते देखते क्योंकि बहुत कंटिन्यूस बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, आपका यूजेज बढ़ गया है तो ये मसल आपका नीचे हो जाता है। अब जाहिर सा 17 से लेकर 25 साल की एज या 13 से लेकर 25 साल तक की एज में हम बोटॉक्स नहीं कर सकते, आपकी आप वो एक्सरसाइज करेंगे या वो सीरम्स लगाएंगे जो आपको लिफ्टिंग दे। आपने अच्छी तरह मसाज किया, अच्छा सिर्फ आपने इस पर एक ड्रॉप लगाया और आपने ऐसे ये टैपिंग होती है, दैट्स इट, हमने ऐसे नहीं मलना, ठीक है, आपने टैप करना है, फिर टैप करने के बाद आपने यहाँ पर रखकर इसको आप ये उठा लीजिए, ओके, जब आप ये उठा लेंगे तो ये मसल आपका अपवर्ड जाएगा। अच्छा और फिर ये क्योंकि चीजें ऐसी स्टिकिंग वाली चीजें शामिल है ना, ये यहीं पे रुक गया और आपने सो जाना है, बिल्कुल आपने सोते वक्त। अच्छा, आपने बताया कि वो बच्चे जो यंग बच्चे हैं ज्यादा, आप नोट कर लीजिए, आप देखेंगे बिल्कुल ये मसल लूज होता चला जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है। बहुत कॉमनली मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं और वो कहते हैं अभी उम्र 17-18 साल है डॉक्टर आप ये देखें, ये मेरे मतलब माँ जो है वो बोल रही होती है मेरी बेटी की या बेटे की ये चीज नीचे आ रही है, ठीक, तो ये मसल लूज हो रहा है। अब इसका तरीका यही है, मैं ये कहती हूँ भाई आप डिस्टेंस पे रख कर करिए, आपने अगर लैपटॉप यूज़ करना है आप डिस्टेंस पे रखिए या आप अपनी स्क्रीन लगाइए और थोड़ा सा हर 15 मिनट या 20 मिनट के बाद रेस्ट दीजिए आँखों को। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ठंडा पानी रखिए अपने पास, उसमें जो है आपने हाथ डिप किए या स्प्रे बॉटल भर लीजिए, आपने स्प्रे किया और आप अपने यहाँ पे मसाज करिए तो ये मसल आपका लिफ्ट अप रहेगा, उस पर स्ट्रेन जो पड़ा हुआ होता है। और आपके पास क्योंकि ठंडे पानी का स्प्रे होगा आप आंखों में डालिए और आंख बंद कर लीजिए, उससे क्या होता है आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं और मसल वापस अपनी ऊपर जगह पे चले जाते हैं। ओके ओके जबरदस्त भाई, एक दफा पिंक लिप्स वाले जो है ना मैंने रिपीट नहीं किए, गुलाबी एलोवेरा जेल हो गया है, अब वो गाफ वाफ तो छोड़ देते हैं। एलोवेरा जेल है 1 चम्मच, नींबू का रस है 1/2 चम्मच, ठीक है, 1 चमचा है अनार का रस, ठीक है, ईकोस का हमने 1 बड़ा चमचा लिया उसमें सारा फ्लूइड निकाल लिया और योगर्ट 1 चम्मच, बहुत आसान है, इसको लगाइए लिप्स पर और सबसे अच्छी बात ये होगी आपके लिप्स पे, अच्छा इसको आप खा भी सकते हैं, चारों चीजें इतनी मजा करके ना आप खा भी लें तो चारों चीज आपकी बड़ी मजेदार भी लगेगी, क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं कि अगर कुछ ऐसे लगाया तो हमारे पेट में चला गया तो मसला ना हो, तो ये चीजें एडिबल भी हैं। तो कभी होता है ना जैसे कुछ औरतें लिप्स खा लेती हैं अपनी या वो कर लेती हैं, तो ये अगर आप वो भी कर लें, इंजेस्ट भी कर लें तो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह इससे। ठीक है, ठीक है जी डॉक्टर जी, मैं बता रही हूँ ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्नी और पिंपल के जो स्कार्स हो जाते हैं, इन सब के लिए आप अनार से कैसे मदद ले सकते हैं। आपने क्या करना है, जैसे अनार सर्दियों में अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं और आपको फिर स्टीम लेके ही कि ड्राइनेस होती ना तो, और स्टीम फिर लेते हैं तो मसाम खुल जाते हैं, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि लाइक हमें स्टीम नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। आपने क्या करना है, 1 कप के करीब अनार लेना है, इसमें जो इसके अंदर के पार्ट्स जो है ना ये भी डाल दें, ये जो ये येलो येलो से पार्ट्स जी बिल्कुल ऐसे, जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ ऐसे निकाल के। अच्छा, एक अनार के आप बना के ही रख सकते हैं, एक तो मैं खा भी जाती हूँ अनार के साथ तो जी, मैं भी खा तो नहीं बिल्कुल, ये पेट के लिए बहुत अच्छा। हाँ। जी जी बिल्कुल, पेट के कीड़ों के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, अब आप इसको ब्लेंड कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, बगैर पानी के ब्लेंड करना है, पानी हमें स्क्रबिंग वो करना है। अच्छा, एक और बात बताएं, मैं अनार खाती हूँ ना कभी कभार मेरा मूड होता है तो मैं बीज के साथ खा जाती हूँ, बीज के मसला साथ, नहीं है? बीज के साथ ही खाना चाहिए। हाँ, और कभी कभार ये होता है कि उसके बीज खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, अजीब सा वो होता है तो साइड पे वो वो बुरा तो खैर लगता है, लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग बीज नहीं खाते, नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, बीज खाना चाहिए। अच्छा, वो एक क्या फायदा होता है, पेट की स्क्रबिंग करेगा, फाइबर है, वरना जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा। और जो नहीं खाते वो जमा करके उसका पाउडर बना के स्क्रब बना ले। आए हाए, मुंह से निकाला हुआ, आए हाए, बिल्ला। अच्छा, आपने ये इसको ब्लेंड कर ली,
ब्लेंड कर रही हूँ इसको बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर डाल के करना है ब्लेंड इसमें मैंने शहद भी डाला है अभी अच्छा हाँ अभी शहद डाला है क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं डालना अच्छा आपने शहद कितना डाला है एक टीस्पून शहद डाला इससे ज़रा अच्छा चक्कर चल रहा है मतलब अच्छा वो ग्राइंड ऐसे करना है यहाँ टाइम नहीं होता लेकिन यहाँ ग्राइंड आपने ऐसे करना है कि पूरे इसके बीज भी ग्राइंड हो जाए अच्छे से ग्राइंड हो जाए अच्छा फिर उसके बाद आप निकाल लें फिर इसमें एक और चीज़ जौ का दलिया जो है वो मिलाना क्योंकि हमें स्क्रब बनाना है ना इसमें मैं एक टी स्पून के करीब मैं इसमें जौ का दलिया मिलाऊँ अब ये क्या करेगा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को निकालने में मदद करेगा और इसको अब क्या करना है इसके बाद इसको रख देना तकरीबन आप आधा घंटा इसको रख दें ताकि हर चीज़ मर्ज हो जाए सब चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए और ये मैंने बताया कि इसको आपने ग्राइंड बहुत अच्छी तरीके से करना है क्योंकि ये स्क्रबिंग होगा अच्छा ये जहाँ जहाँ लगाएंगे जो एक्नी पिंपल की जो स्कारिंग हो जाती है वहाँ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत तेज़ करेगा फिर इसको जब लगा के रखेंगे तो वो स्कार को बढ़ने में आपकी मदद करेगा और एक्टिव एक्नी है उधर लगाएंगे तो उसको सुखाने में मदद करेगा साथ में फिर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो इसकी एक लेयर लगा कर फिर आप स्क्रब करके उतार दें तो उसमें जो इसमें कुदरती स्टिकी होता है ये तो इस उसकी वजह से क्या होता है जब सूख जाए तो आप हल्का हल्का सा स्क्रब करके निकाल दें आपने जिस जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आपके बहुत सारे ब्लैक हेड्स हैं तो आपने उसको इस डायरेक्शन में निकालना है झाड़ देना है एक दफ़ा में ना निकले तो दूसरे दिन लगा लीजिएगा तो इंशाल्लाह एक दो दफ़ा में ये निकल जाते हैं ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के बाद आके मैं दोबारा से पूछती हूं ताकि वो सही से हमें याद हो जाए एक छोटे से ब्रेक ले रहे ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वो जूस वाले मुझे लग रहे पूरे एआरवाई के लिए जूस निकाल रहे हैं आज मैं सबको जूस पिलाऊंगी अनार का गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देखिए अगर आप मेरे डायरेक्टर को चाहिए सबसे पहले आप डॉक्टर काशिफ को दिखाएं ताकि पता चले कि आज हम शो कर क्या रहे हैं हमारा शो जो है वो अनार को बेस करते हुए है और अनार के हवाले से बहुत सारे ब्यूटी वाली जो चीज़ें हैं अभी तक हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई लेकिन देखिए अनार का जूस पीने से कितना फ़ायदा होता है जूस निकालना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन जो हमारे भाई हैं वो आपको अनार के जूस के अंदर जो वो मसाला डालेंगे ना तो जुबान का चटखारा भी आएगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे आप अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक कहाँ मिलता है आपका जूस भाई गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 सी में ब्लॉक 13 डी जी हाँ मक्का जूस सेंटर के नाम से मक्का जूस सेंटर तो मक्का जूस सेंटर में क्या अनार के जूस में ऐसी क्या खासियत आप पैदा करते हैं मसाला डाल के वो बताएं जरा कौन सा मसाला होता है इसमें काला नमक होता है जीरा होता है सौंठ होता है अच्छा जीरा आप पीस लेते हैं भून लेते हैं दिखाए ना हमें जरा जी हाँ ये रखा हुआ ये जीरा है अच्छा एक मिनट जी ये हो गया काला नमक नहीं काला नमक ये है ये काला नमक हो गया और ये वाइट नमक है ये आमतौर का नमक हाँ नमक और ये काली मिर्च है ये काली मिर्च है और ये सौंठ है और ये सौंठ जो खुश्क अदरक कहते हैं ये जीरा है ये जीरा है जी हाँ अच्छा जीरा भुना हुआ और पिसा हुआ है पिसा हुआ भुना भी तो है मुझे भुनाई की आ रही है खुशबू उसकी पहले भूनते हैं उसके बाद पहले भूनते हैं फिर पीस लेते हैं अच्छा और ये क्या थी ये सब मिक्स किया हमने ये सब मिक्स है मसाला पांच चीजें इसके अंदर है सौंठ काला नमक अपना सफेद नमक थोड़ी सी काली मिर्ची एंड पिसा हुआ जीरा आप सोचिए ये जीरा वगैरह मतलब बहुत अच्छा है वैसे भी काला नमक भी सेहत के लिए बहुत सिर्फ सफ़ेद नमक थोड़ा गड़बड़ है बाकी सारी चीज़ें ये देखिए ये इस तरह बना के आप मसाला रख दें और अनार घर के मतलब निकालें जूस तो बहुत अच्छा अगर ऐसे नहीं खा रहे बच्चे सुस्ती कर रहे धड़ धड़ एक अनार का जूस पिला के स्कूल भेज दें भाई बड़ा अच्छा बड़ा हेल्दी अगर नाश्ता भी नहीं करके जाते तो आप बताइए कि कितनी मिकदार इसकी मिलानी है क्या क्या बराबर है हाँ सब बराबर है बस इसमें अच्छा। आधी चम्मच डाल दें हाँ। एक गिलास में एक गिलास तो अच्छा टेस्ट बन जाता है और हजमे के लिए सही है हाँ। और सही रहता है अच्छा ये मुझे बात बताएं आप कि उस वक्त ताज़ा ताज़ा जूस निकला है तब ये मिलाएं या मिला के रख दे नहीं ताज़ा में निकाल बाद में मिला के डाल दो कोई मसले वाली बात नहीं अच्छा ज्यादा बेहतर ये नहीं कि ताज़ा जूस निकाले उस वक्त मिला के डालें उस वक्त भी डालें कोई मसला उसके बाद भी डालें कोई मसला नहीं पहले डाल के रख दो कोई मसला नहीं है तो आपको पता है अनार के जूस से कितने फायदे हैं बहुत फायदे हैं इससे अगर आप सुबह नाश्ते से पहले पिए इसको हाँ। जैसे आप एक अनार का गिलास एक गिलास जूस पी लें समझो आपने एक ड्रिप इसकी खून की लगवा ली ओड़े बाप रे ओए ओए एक ड्रिप खून की लगवा ले जी
मेरे खुदा, आयरन की ज्यादती हो जाएगी तो। इसका बड़ा फायदा है, इससे खून बनता है और चेहरे पे नखार आती है जी, लाली आती है और बड़े इसके बहुत बड़े फायदे हैं। अच्छा जी, मैं वहाँ लेके चलती हूँ आपको, और हम आपको वाकई में मस्ती हो रही थी, मैं आपको अनार के फायदे, ये वाली बात हकीकत है, जो भी एनेमिक लोग हैं जिनके अंदर खून की कमी है उनके लिए बेस्ट मौका है अपने अंदर खून, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग कलेजी नहीं खा पाते। मेरी अम्मी एनेमिक थी, डॉक्टर उन्होंने कहा आप कलेजी का एक उबाल करें, वो खा लिया करती थी, वो उनका हीमोग्लोबिन हमेशा 8-7 इसी तरह रहता था। तो उसके लिए वो लोग जो कलेजी वगैरह नहीं खा सकते, मेरा ख्याल से अनार इस बेस्ट सोर्स ऑफ ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। जिनको अच्छा। जोड़ों का दर्द है उनके लिए भी अनार का जूस बहुत अच्छा होता है। अनार के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। बस ये कि जो डायबिटिक है वो थोड़ा सा केयरफुल होके खाएं, ठीक है, क्योंकि इसका ये कि जूस की जगह उसको अगर अनार का फल खाते हैं तो ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा बेहतर। वैसे भी इनको ऐसी इजाजत होती है, आधा फ्रूट जी जी ये सब चीजें होती है। अच्छा, एक तो इन्होंने कहा कि ब्लड जो है वो बढ़ता है अनार के जूस से, और क्या क्या उसके जूस से क्या क्या और फायदा हो सकता है? वेट लॉस, इनफर्टिलिटी। अच्छा, वेट लॉस इनफर्टिलिटी के लिए बेहतरीन होता है, इनफर्टिलिटी के लिए बेहतरीन होता है। ओके, कंसीव करने में आसानी होगी, अगर आपको कंसीव करने में आसानी होती है। देखें जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है, हार्मोन बैलेंस बहुत अच्छी, जो इसमें चीजें मौजूद हैं वो हार्मोन बैलेंस बहुत अच्छा करती है। निहार मुंह लेकिन खाना होता है और पीना होता है तो बहुत अच्छा लगता है। निहार मुंह सुबह सुबह इतना मजे का एक फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है। exactly. तो आप सुबह अपने काम पे जाने से पहले पियेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल कहाँ पहुंची हुई होगी। मेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, मेल्स के लिए क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में कॉमन है, तो उसको भी बचाने में हेल्प करता है। तो ये बहुत फ्लेवोनॉइड्स हैं, विटामिन सी है, पोटेशियम। आप बता रही थी ना कि अगर मेल को छोटा अनार दूध में उबाल के, मतलब कि एक छोटा अनार और आधा किलो दूध, अच्छा, उसमें उसको उबाल कर को ब्लेंड करके पूरा दिन पीना है, जिनको प्रोस्टेट थोड़ा सा गाढ़ा मिल्क शेक टाइप बन जाए, बिल्कुल, लेकिन पूरा दिन पीना है। अच्छा, मुझे छोटा अनार उसमें उबाला है तो उसके छिलके समेत सब कुछ भी नहीं निकालना है, सिर्फ ऊपर से जो इसका ताज बना हुआ है वो काटना है, कुछ भी नहीं निकालना है, उसको आधे किलो दूध में बिल्कुल पका लेना है, पकाने के बाद ब्लेंड करना है, ब्लेंड करने के बाद पूरा दिन पीना है, सिप 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 पीना है। अगर ऐसा है, मतलब कि प्रोस्टेट कैंसर की इब्तिदा है या यूरिन रुकना शुरू हुआ है तो ये मेल के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हम आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके आपने वो कर लिया, मैं एक मिनट रिपीट कर दूं। हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। हाँ। हमने क्या किया, एक कप अनार लिया, क्या बनाया था ये भी थोड़ा सा रिपीट कर, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्नी, एक्टिव एक्नी और एक्नी स्कार के लिए है ये। आपने करना क्या है, एक कप आपने अनार लिया, उसके अंदर फिर जो ये इसकी चीजें हैं, ये वाले पार्ट जो येलो येलो सा, हाँ, इसको भी आपने जो है ना निकाल कर बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किया। ब्लेंड करते हुए ही इसमें एक चम्मच शहद डालें, शहद डालने के बाद जब आप इसको निकाल लेंगे तो इसमें जौ का आटा या जौ का दलिया, मतलब इस तरह जो बना हुआ है प्रोसेस, ये भी आप डाल सकते हैं तो उसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी। मैंने कहा था आधे घंटे रख लीजिएगा, देखिए ये कैसा हो गया, गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है। अब इससे करना क्या है, आपने इसके लेप लगाकर छोड़ देना। कहाँ पे लगाएं? अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है तो लेप लगाकर छोड़ दें, और एक्नी स्कारिंग के लिए आप कर रहे हो तो उसको इस तरह करके आपने स्क्रब करना है, हल्का हल्का सा, हल्के हाथ स्क्रब करना है। स्क्रब करके मोटा मोटा लेप लगाकर आप छोड़ दें, आधे घंटे के बाद आप इसको पोंछ लीजिए और चेहरा धो लीजिए। और मतलब एक्नी जहाँ स्कारिंग है, डीप स्कार है, तो आप वहाँ रोजाना भी कर सकते हैं। अच्छा, रोज भी कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो स्कारिंग है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो आपको लगेगा कि वो फिल हो रहा है। ओके, ठीक है, तो आप करके देखिएगा। लेकिन जब बहुत डीप स्कारिंग होती है उसके लिए फिर ट्रीटमेंट्स में जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी अभी एक्नी खत्म हुई, स्कार पड़ा है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर मिराहिल आप क्या बताएंगे? अच्छा, अनार से हम बनाएंगे मैनी पैडी का बड़ा इशू होता है। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी बात बताऊँ कि अनार खाने की भी बातें हो रही कि अनार बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अनार जो है कहते हैं उसमें एक दाना जो है जन्नत का होता है। हाँ। और अनार हमेशा पूरा खाना चाहिए। हाँ। शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ। इससे कि वो दाना जो जन्नत का अगर आप वो खा लेते हैं तो 40 डेज तक आपका दिल रोशन रहता है और आप जादू से महफूज रहते हैं। तो ये अनार को कहते हैं कि आप पूरा अनार खाओ, कोई एक दाना भी नहीं छोड़ना है उसका, ताकि वो जो जन्नत का दाना है वो आपको मिल जाए। अच्छा अच्छा, अब मैनी पैडी के लिए सबसे पहले अनार का हमने पेस्ट बनाया है। जैसे अभी बिल्किस ने पीसा था, ग्राइंड किया था, पूरा अनार जो है उसके दाने जो है उसका बिल्कुल आपने पेस्ट बनाया।
इसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं मुलैठी का पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने ये लिया है। मुलैठी का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, गुलाब की पत्तियाँ 1/2 टीस्पून, ठीक है, हुस्ने यूसुफ 1/2 टीस्पून, ठीक है, और ये अनार के फूल 1/2 टीस्पून डाले हमने। बादाम और पिस्ते का, बादाम लेना है लेकिन मेरे पास दोनों मिक्स है तो मैं दोनों डाल रही हूँ, लेकिन आपने सिर्फ बादाम का पाउडर लेना 1/2 टीस्पून, और इसका पेस्ट आपने बनाना है फ्रेश क्रीम से, ठीक है, और ये जो है आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने इसको अच्छी तरह से पैरों पे, हाथों पे लगाना है, खूब मसाज करना है, मसाज करके जो डेड स्किन रिमूव हो जाएगी सब जहाड़ के, आप रात को सो जाइए, सुबह इसको वॉश कर लीजिए। पैरों और हाथों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर्दियों में स्पेशली। हम एक दफ़ा फिर इन्ग्रीडियंट्स रिपीट करते हैं। आपने अनार का जो पेस्ट बनाया है पहले, अनार का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून, आपने अनार के दानों को ग्राइंड कर लिया और वो येलो भी लिया था पीसने के लिए, पूरा जैसे अनार का पूरा, जैसे डॉक्टर बिल्किस ने पूरा दिखाया था, ये पीसा था ना पूरा, लेकिन इसमें इन्होंने शहद भी मिलाया था। शहद की जरूरत नहीं है, अगर डाल भी लिया तो उसमें कोई मुजायका नहीं, इसका शहद तो वैसे ही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्किन, तो अगर आपने ऐसे मतलब ये ब्लैक हेड्स के लिए बनाया है तो उसमें थोड़ा सा निकाल लिया आप, अच्छा अच्छा, ठीक है। अनार के जो दाने हैं उसका आपने पेस्ट बनाया, उसके अंदर जो है मुलैठी पाउडर डाला है, ठीक है, मुलैठी पाउडर के बाद गुलाब की पत्तियाँ, हुस्ने यूसुफ, अनार का फूल और बादाम का पाउडर, ये चारों पांचों चीजें डालने के बाद इसको आपने क्रीम जो पेस्ट बनाया ये बनाया है फ्रेश क्रीम से, बलाई से, ठीक है, इसको आपने रात को जो है अच्छी तरह से पूरा इस तरह से लगाना है, सोते वक्त पहले पैरों को वॉश किया, हाथ पैरों को, और अच्छी तरह लगा के मसाज किया, थोड़ी देर में ड्राई होगा इसको झाड़ दिया, झाड़ के आप सो जाइए और सुबह उठ के वॉश कर लीजिए। अगर आपको सॉक्स पहने तो मौसम चेंज हो रहा है तो सॉक्स भी पहन सकते हैं पैरों के ऊपर, और हाथों पे ऐसे कोई जरूरत नहीं है, या ग्लव्स पहन लें। जब आप सुबह उठ के उसको वॉश करेंगे तो आपके जो बिल्कुल रफ हाथ और पैर होंगे वो साफ हो चुके होंगे, ठीक है, आपकी एड़ियां नहीं फटेंगी, आपके जो मतलब स्पॉट्स आ रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आप मैनीपेडी करवा के आते हैं और बिल्कुल आपको अच्छी फ्रेश स्किन मिलती है, वैसे ही आपको इसके बाद ओके। लेकिन बेस्ट ये है कि आप रात को लगा के सो जाए, और नहीं लगा सकते तो आप इसको लगाएं, खूब अच्छी तरह से मसाज करें, हाथ गीला करते रहें, उसको मसाज करते रहें, अच्छा। और फिर उसको वॉश कर लें। ओके। वॉश करने के बाद आप थोड़ा सा जो है आप कोकोनट ऑयल लगा लें या आर्गन ऑयल लगा लें, फ्यू ड्रॉप्स लगा लें, अच्छा, तो पूरी सर्दियाँ आपके हाथ पैर फटेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों की यहाँ से हाथ ब्लड निकलने लगता है ना, बहुत ज्यादा रफ हो जाता है ये हाथ, मतलब यंग एज भी चलो एज के साथ तो आती है, लेकिन झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, लाइन सब बिल्कुल अजीब से हाथ हो जाते हैं, का मर्दाना होने के अलावा बूढ़े हाथ लगने लगते हैं, तो इसके बाद आपको ये कैफियत नहीं फेस करनी पड़ेगी। वेरी नाइस, इसको आप बना के रख लें और आराम से ये जो बना के रखा है, अगर बार बार मेहनत नहीं करना चाहते हैं या पूरा बनाइए और इसकी क्यूब्स बना लीजिए, अच्छा। सबसे आसान काम मुझे ये लगता है कि आपने हर चीज़ की क्यूब्स बना के रख ली, आपने एक क्यूब निकाली है उसको लगाया है और फिर आपने रख दिया वापस, ओके, ये इस तरह से आप इस्तेमाल कर लें, सही, ठीक है जी जी। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली हमारे पास आ रहा है स्पेशली यंग गर्ल्स के अंदर, फेशियल हेयर का इंक्रीज, अच्छा, ये फेशियल हेयर आ रहे हैं, अपर लिप पे भी आ रहे हैं, चिन पे भी आ रहे हैं, साइड पे भी आ रहे हैं, हार्मोनल जी, हार्मोनल डिसबैलेंस से आपको 3 थिंग्स जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, हार्मोनल चिकन और एग्स ना खाएं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, बिकॉज बहुत लोगों ने अपना सिकैडियन रिदम तोड़ दिया है, उसकी वजह से नींद के साइकिल की वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, बिल्कुल, और तीसरे ही के स्ट्रेस, बिना वजह के स्ट्रेस है आजकल के बच्चों को, के लाइक्स कम आई है फेसबुक पे तो स्ट्रेस हो गया, ब्लू टिक हो गया व्हाट्सएप पे तो मेरे पास जवाब क्यों नहीं दिया, टाइपिंग है, मतलब बहुत अनरियल बातों पे 5000 आपके दोस्त होंगे पर रियल में कोई भी नहीं होता, तो वो रियलिज्म से थोड़ा सा दूर हो गए, तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रेसेस जो है, 7 ईयर का बेटा जो है वो पॉपिट है क्या है, एक चीज ना आजकल आई हुई है, उसने मुझे लाके दी, कहेंगे मम्मा आपको स्ट्रेस हो रहा है, इसकी शक्ल देखिए, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है आपका स्ट्रेस इसको दबाने से रिलीज होगा, तो ये पॉपिट मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, so sweet, मैंने कहा nice, अच्छा भाई तो इससे more... मैंने कहा बेटा मैंने दबाया, मुझे तो कोई स्ट्रेस रिलीज नहीं हुआ, ये शायद बच्चों के लिए है, लेकिन इसमें बहुत चीजें अच्छी भी हैं और बहुत चीजें बुरी भी हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था ब्लू लाइट जो है वो बहुत आपके लिए स्किन के लिए भी खराब है, आपके हार्मोन्स को भी डिसबैलेंस करती है, लेकिन हार्मोन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्लड टेस्ट, एक तो CPESR जो कि हीमोग्लोबिन लेवल्स आपके बता रहा है,
थायराइड बहुत जरूरी है, T3, T4, TSH. अब आप ये कह रहे हो जो एक्स्ट्रा आपके जी एक्स्ट्रा हेयर आपके फेस पे आ जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स के जाते हैं मोटे यंग एज में, बहुत यंग, तो ये आप कह रहे इसका टेस्ट कराएं, इसके टेस्ट पहले कराएं कि आपको PCOS तो नहीं है, ताकि आप ऊपर से कोई काम कर रहे हैं हमें तो अंदर की खराबी जड़ से ठीक करना है ना उसको. तो ये CPSR है, थायराइड का T3, T4, TSH, सीरम एस्ट्रोजन और सीरम टेस्टोस्टेरोन, और एक अल्ट्रासाउंड है पेल्विस का जो बहुत जरूरी है, ये आप जरूर करें. तो पहले आप ये देखें PCOS तो नहीं है, क्योंकि PCOS है तो हमें उसको ट्रीट करना है साथ साथ गायनेकोलॉजिस्ट के साथ. सिम्टम्स होते हैं ये, बाल एक्स्ट्रा आ जाना, एक्नी हो रही होती है, हेयर लॉस हो रहा होता है, वेट गेन हो रहा होता है. आखिर में बच्चों में यंग गर्ल्स देखा हूँ गर्दन बहुत डार्क हो जाती है, अंदर के फोल्ड्स डार्क हो जाते हैं, वो एकेंथोसिस निग्रेकन्स कहलाता है. वो बेसिकली इसी वजह से कि आपका हार्मोन्स पूरे उल्टे हुए हैं. देखिए अल्लाह ताला ने नींद हमें जो दी है रात की ना सोने के लिए दी है. मैं तो अपना मोबाइल ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए वाईफाई ऑफ कर दें रात में. मैं तो हर पेरेंट को कहता हूँ 9 बजे बच्चों से मोबाइल ले लिया करें, लॉक कर दें और जल्दी उठें. सख्त पेरेंट होंगे मुझे ये लगा. क्योंकि देखिए ना वाली बातें, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से. ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि हमें भी डांटे पड़ी है अम्मी अबू से, तभी हम आज कुछ बने. ठीक है चले, तो फेशियल की बात करें तो हम आज बात कर रहे हैं प्रेम. प्रेम आपको अपने अपने आपसे प्रेम हो जाएगा, आपके फेशियल हेयर कम हो जाएंगे. फेशियल हेयर रिडक्शन क्रीम मैंने कही है, ये आपके बालों को फेशियल हेयर को कम करेगी. कह रहे हैं आपसे प्रेम, अपने आप से प्रेम हो जाएगा आपको. अच्छा लेकिन याद रखिएगा ये लेजर आप कराइए अगर आप सब क्लियर हैं. उसके बाद आप ये भी यूज कर सकते हैं पी से पॉमीग्रेनेट पील का पेस्ट. पॉमीग्रेनेट के छिलकों का पेस्ट मैंने एक चम्मच लिया है. आर से रोज वाटर जो कि अरके गुलाब एक चम्मच. इकोस टैबलेट्स जो मैंने आपको दिखाई है वो 4 आप उसका फ्लूइड ले लें. और मेडिकेटेड क्रीम आ रही है एपिला. ठीक है इन चारों को आप मिक्स करके आप इसको जहाँ पे आपके हेयर है वहाँ पे आप लगाइए. मैं आपको लगा के दिखा देता बना के दिखा देता हूँ. ये आपका पॉमीग्रेनेट के छिलकों का पेस्ट है. ठीक है फिर साथ साथ आपका ये रोज वाटर है सुखाए हैं जी, छिलके सुखाए हैं फिर ग्राइंड किया हुआ है. अच्छा गुलाब का अर्क जो आपने अनार का छिलका है उसको सुखा के और ये एक मेडिकेटेड क्रीम अवेलेबल है मार्केट में एपिला के नाम से. एपिला वो एपिला का काम होता क्या है? उसका काम ये होता है कि आपके जो फेशियल हेयर पे जो रिडक्शन करनी होती है मेंटेनेंस डोज के लिए. लेकिन आइडियली ये है कि आपको PCOS अगर नहीं है तो मैं खुद भी करता हूँ लेजर्स आपको जरूर कराना चाहिए. बहुत फायदा होता है लेजर्स का. डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे निकल आए थे जी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लेजर कराई है ना जी, तो उसके बाद ये खत्म हो गए मेरे गर्दन पे इतने लंबे बाल. ये क्या ये कहाँ से आ गया? अच्छा आदमियों के लिए भी है कि जैसे मैंने अपना यहाँ का लेजर कराया हुआ है, ये जो ऊपर जो बंदर जैसे बाल हो जाते हैं आदमियों के एक्स्ट्रा, तो वो भी जरा आपको वो लगते हैं ना एक्स्ट्रा जो जाते हैं. मैंने कुछ नहीं कहा बंदर जैसे बाल, खुद बोला है. तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसको आप बिल्कुल कर सकते हैं. और फीमेल जी एक्चुअली वाली बात है सारा हार्मोनल डिसबैलेंस मेल्स में भी होता है. अच्छा ठीक है ना, आजकल फिर आपको जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है. हम देखते हैं नॉर्मली मर्दों की दाढ़ी तो होती है लेकिन कुछ लोगों की यहाँ यहाँ तक हो जाती है. जी बिल्कुल जी बिल्कुल. आपको पता है कल ही की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया 17 साल का था. मैंने उसका आईडी कार्ड देखा, मैंने कहा बेटा तुम तो 25 से कम नहीं लग रहे हो. क्योंकि वो मतलब वाली बात है डाइट है आपका. जिम करने के लिए भी बच्चे बॉडी बनाने के लिए क्या क्या खाते हैं? जी जी. अच्छा कुछ स्टीरॉइड्स भी ले रहे होते हैं, कुछ वे प्रोटीन ले रहे होते हैं, उसके आपके फेशियल हेयर बॉडी हेयर बढ़ जाते हैं आपके. और वो अपना काफी आप अजीब से मतलब आपके जो इनोसेंस होनी चाहिए एक 17 साल के बच्चे में वो है सच नहीं है. अच्छा अब हमने जो आपको बताया अभी रिसेंटली वो ना पसंदीदा बालों का कम करना, उसमें इन्होंने अनार के छिलकों को सुखा के लाइक उसका पेस्ट बनाया है वो लिया है, इन्होंने रोज वाटर लिया है, इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो इकोस के नाम से दस्तियाब है उसका कैप्सूल लिया एंड आपको अपने आप से प्रेम हो जाएगा. इतना अच्छा फील करेंगे ये रोज लगाना या रोज रात में लगाइए, लगा के सो जाएं और सुबह उठ के वॉश कर लीजिए. आइडियली ये कि लेजर कराइए उसके बाद ये मेंटेनेंस डोज के लिए बहुत अच्छी होती है. ओके ओके थैंक यू जी. एक छोटा सा वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. हर तरफ मेरे लली लली छाई हुई है. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अनार अनार जो कहते हैं ना जिसके सर पे है ताज, एक्चुअली सर्दियों का बादशाह ये होते हैं, गर्मियों का आम होता है और सर्दियों का बादशाह एक्चुअली अनार होना चाहिए. जितनी गजाइयत इसमें मौजूद है तो हम आपके पास आ रहे हैं. आप क्या बता रही हैं इसमें? मैं बता रही हूँ वेट लॉस ड्रिंक. अच्छा वेट लॉस भी होगा, हार्मोन बैलेंस भी होंगे, आपके सर से लेकर पैर तक के हार्मोन सब बैलेंस होके खुद ब खुद बॉडी शेप हो जाएगी 6 वीक्स में. ओह और जबरदस्त. यानी कि अगर जैसे लाइक
जैसे मैं कभी जूस डाइट वगैरह करी होती हूँ, अगर मैं अनार के जूस की डाइट करूँ बिल्कुल, वो जो क्रैश होती है एक आध दिन जूस की डाइट, मैं जूस का नहीं बता रही हूँ, अच्छा मैं छिलके से बता रही हूँ। ओह, ये जो छिलके के अंदर, यस ये जो छिलके के अंदर ये व्हाइट पार्ट होता है ना, ये आपका वेट लॉस कराता है। तो इट इज रिच इन पोटेशियम एंड पॉलीफिनॉल, इसका मतलब ये जो मैं खा लेती हूँ उसके साथ अच्छा करती है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा करती है। और मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट। सीड्स की बात हो रही थी कि सीड्स जो है वो खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है और आपको किडनी का कोई इशू नहीं है तो फिर सीड्स आप चबा के खा लीजिए, और अगर आपको ये दो प्रॉब्लम्स हैं तो फिर सीड्स का निकालना बेहतर होता है क्योंकि वो किडनी से फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाते। अच्छा, ये जो है मैंने अनार के छिलके लिए, ये आप बनाकर भी रख सकते हैं फ्रिज में, अच्छा 2 वीक्स का, 3 वीक्स का, ये इस तरह मैंने 4 पीसेस करके इसमें डाल दिए उबलते हुए पानी में, आधा ग्लास मैंने उबलता हुआ पानी लिया। अब मैं इसमें 4 चम्मच शामिल करूँगी मसूर की दाल की, अच्छा टीस्पून, ठीक है, और थोड़े से हम इसमें शामिल करेंगे अनार के दाने, ठीक है 1 टेबल स्पून भर के, इसको पका लेना है। और जैसा खैबर ऑरेंज वाली चीज क्या थी, ये मसूर की दाल, ओ हाँ, बस ये आपने पका लेना है इसको, जैसे ही अपना कलर छोड़ दें तो छान के आपने पी लेना है। अब ये मैंने ए आधा ग्लास के लिहाज से एक दफा का बनाया, जब ये छन के कितना ग्लास रह जाएगा, हाफ ग्लास ही रहेगा, इसको ज्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ कलर चेंज करना है, जैसे ये छिलकों का कलर चेंज हो जाए बहुत ज्यादा पकाना। टाइमिंग क्या है पीने की, सुबह निहार आधा घंटा पहले, इट विल कवर योर, थोड़ा नीम गरम पिए, ठंडा हल्का हल्का गरम, नीम गुनगुना सा, ना आपको नजला बुखार खांसी कुछ नहीं। वेट लॉस इसलिए होता है कि तेजी से इंसुलिन बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, ब्लड लेवल सही रखता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, पीसीओएस को ठीक करता है, एंडोमेट्रियोसिस एक कॉमन प्रॉब्लम होती है 25 से 35 ईयर्स के दरमियान, उसको सही रखता है जिसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उससे वो ये भी कंट्रोल अच्छा, होती है। बाबत है कितने दिन तक पी, ये आप 6 वीक्स तक के इजीली कर सकते हैं, 6 वीक्स में डिपेंड, अगर आप कैलोरी कंट्रोल करते हैं, आप 1500 कैलोरीज पे रहते हैं, रात में आप 8 बजे के बाद खाना नहीं खाएं, इट इज़ मस्ट, अगर आपने इंसुलिन लेवल सही करना है, आप डाइट कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, 8 बजे के बाद खाना नहीं खाएं, आइडियली तो ये होता है। बहुत सीरियसली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैंने करके देखा है, आपका लाइफस्टाइल अगर आप ये बना लें, एग्जैक्टली 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना तो वेट लॉस होता ही होता है, हैरान हो जाएंगे अपना अपनी बॉडी को, नींद भी अच्छी होगी आपकी, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको वो नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, बहुत फायदे होते हैं। ठीक है, बस ये निकाल के आपने पी लेना इस तरह छान के। अब आप इसको टेस्ट कैसा होता है इसका, टेस्टलेस होता है, दवाई समझ के पी लें, नहीं टेस्टलेस होता है बिल्कुल, आपको अच्छा लगेगा पीने में, अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट, टेस्टलेस वाली चीज आपको बुरी नहीं लगती पीने में, आप गड़ागड़ आराम आराम से मजे लेकर पी जाते हैं। अब आप इसमें चाहें तो आप इसमें हार मुख से, आपका मकसद क्या है, जैसे मैंने अभी साफी वो क्या कहते हैं उसे जो शानदार पिया हुआ है, कॉफी पी है, तो हार मुख होगा अगर मैं सबसे पहले जब आपके जो है स्टमक में कुछ हार्मोन्स और कुछ अपने जूसेस निकलना शुरू हो जाते हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर और वही आपके ब्रेन तक जाते हैं तो उससे ही आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होकर आपके इंसुलिन थायराइड और जितने भी नीचे हार्मोन्स आते चले जाते हैं उनको कंट्रोल कर। अपने आप को अच्छा रखने के लिए सुबह आपको क्या निहार मुंह पीना चाहिए अगर वेट लॉस, सबसे पहले गर्म पानी, सबसे पहले गर्म पानी, अगर आपको डायबिटीज से बचना है, आपको आर्थराइटिस से बचना है, आपको अपना हार्मोन्स बैलेंस रखने हैं तो सबसे पहले गर्म पानी, ओके, और वो भी गर्म पानी का भी टाइम है, देखिए आप दूसरी उसमें हम मुसलमान हैं, हम फजर पढ़ते हैं, फजर के टाइम से लेकर आपने चाश्त के टाइम तक के, यानी सूरज की पहली किरण निकलने तक, ओके तब तक के आपने गर्म पानी पी लेना होता है। कितना देखिए टाइमिंग्स कितनी जरूरी है आपके बॉडी अच्छा, और ये इस चीज को चाइनीज और कोरियंस बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। देखें ना, तो उम्र ही नहीं लगती, उम्र ही नहीं होती है उनकी, आप देखें कैलुला भी करने लगे वो लोग, एवरेज एज उनकी, एवरेज एज उनके 100 इयर्स होती है, एवरेज 90 to 100। खाने भी तो देखे ना, एग्जैक्टली भुनाई करके थोड़ी खाते हैं, चलो गोभी बना ले, हमारी तरह थोड़ी काले रंग की पालक खा रहे होते हैं, पालक काले रंग की होती है बिल्कुल, वो सब्जियां भी खा रहे हैं और इतनी बुनाई करके, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, बहुत जरूरी है। जो अभी आप यंग बहुत सारी एक्ट्रेसेस देख रहे होते हैं पाकिस्तान में भी, उनका उनका खाना अगर आपको पता चले आप हैरान रह जाएं, लाइक समीना पीरजादा, मानूर बलोच, इस तरह की और बहुत सारे नाम है, इजाज असलम, उन्होंने अपनी उम्र पे फुल स्टॉप लगा दिया, उसकी रीजन ये कि खुराक और उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, ये वाली चीज है। जी जी मैं बात
बता रही हूँ बालों के लिए हेयर फॉल। अरे हाँ, अभी हम बाल रहे, बहुत हाई हेयर फॉल हो रहा है अभी इस मौसम में, इतने बाल गिर रहे हैं जिसकी कोई हद। जी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अनार का छिलका ताज़ा वाला लेना है। इस मौसम में आप ताज़ा वाला लेके बना लें, थोड़ा सा आपने लेना है। और इसको मैंने यहाँ सरसों का तेल गरम किया, सरसों के तेल में बनाएं या तिल के तेल में बनाएं, आपकी मर्जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं इसमें अनार के जो फूलों का पाउडर है वो इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये भी एक चम्मच भर के डालना है। और आपने दो कप तेल लेना, ठीक है, इसको आपने गरम करना है। उसके बाद इसमें क्या आप डालेंगे, आप इसमें डालेंगे रतन जूत, ये छोटा सा टुकड़ा, ये भी तेल को पूरा लाल कर देगा। ठीक है, अब इसको पकाना कितना है, पकाना आपने इतना है कि ये जो अनार का छिलका हमने इसमें डाला है, ये इसमें बस जैसे प्याज लाल होती है इस तरह लाल हो जाए बस। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद इसको आपने जो है छान लेना है। छानने के बाद ये जो लाल कलर का तेल आपको मिलेगा, इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें काली मिर्च डालना है। काली मिर्च जो है वो सर में लगेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, खुश्की को भी दूर करने में मदद करेगी। अच्छा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को अच्छा करेगी। तो कुटी हुई काली मिर्च ताजी होती है वो डालें? नहीं, क्या कहते हैं, काली मिर्च का पाउडर, ये कितना डाल रही है, इतना आओ। दो कप आपने जो है ना सरसों का तेल लिया है, आप समझ लें कि इतना सा अनार का जो छिलका है सिर्फ इतना सा, इसको बारीक बारीक पतला पतला काट लें, ये डाल दें। एक चम्मच भर कर गुलनार गुले अनार डाल दें आप पाउडर बनाकर। रतन जो, जो फूल है अनार के, जी हाँ, रतन जोत का छोटा सा टुकड़ा डाल दें, ये इसका कलर जो है ना बिल्कुल लाल रखेगा। अच्छा, ठीक है, ये देखें ये इसमें मिक्स होता जाएगा, ये रतन जौ की वजह से कलर लाल आएगा, रतन जोत की वजह से भी आएगा, गुलनार की वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये जो है इसको आप पकाएं, इसमें अभी पानी है, पानी सूखेगा तो नीचे से जो है ना आपको लाल कलर का तेल मिल जाएगा। ठीक है, और ये तेल आप एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं, आप रोजाना भी लगा सकते हैं अगर आप रोज नहाते हैं। सर की जड़ों से सिरों तक अच्छी तरह लगाएं, आधे घंटे के लिए लगाएं, आधे घंटे बाद जो है ना आपकी खुश्की खत्म, आपका हेयर फॉल खत्म, हेयर फॉल को खत्म करने में ये आपकी मदद करेगा। क्योंकि ये मौसम है बाल झड़ने वाला, बाल झड़ने का उसके रीजंस होते हैं बहुत सारे, बहुत ड्राई हो जाते हैं आपके बाल। और लोग क्या कहते हैं सर्दियों में ना नहाने के लिए तेल नहीं लगाते, कहते हैं कि ना सर्दियों में सर्दी लगती है तो नहाते नहीं, हालांकि सर्दियों में ज्यादा नहाना चाहिए। हाँ ना, जर्म ज्यादा, या गर्म पानी से नहाते, गर्म पानी से नहाने की वजह से भी बाल गिरते। ठीक है, तो फिर तो नीम गर्म रखें पानी, हाँ, है ना। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल, अगर आप इसका कलर देखेंगे ना, नीम गर्म पानी वो समझ के ठंडे पानी से नहा ली तो मेरा ये हाल हो गया। मैंने कहा शावर गिरे, अच्छा है सर पे फ्रेश हो बंदा, नहाना चाहिए, आपकी जोड़ों के दर्द भी नहीं होते। गीजर में पता नहीं क्यों आ नहीं रहा था पानी, देर हो रही थी, नजला खांसी भी हो गया इतने दिनों बाद। ओके जी, हाँ बताएं आप। अच्छा, आप इनफर्टिलिटी के हवाले से मैंने सुना था कि आपके पास एक बड़ी जबरदस्त तरकीब है, वो बताएं ना, बहुत सारे लोग। चले मैं पहले वो बता देती हूँ। अच्छा, इनफर्टिलिटी के लिए अनार के साथ बता रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन बहुत ही आसान सी चीज़ जो मेल एंड फीमेल दोनों ने करनी है, आपने एक गिलास अनार का जूस लेना है। अच्छा, मेरे पास इस पर तीन चार चीज़ें रखी हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला और मुलैठी। ये चारों चीज़ों का आपने मिक्सचर बना लेना, लाइक पाउडर बना के रख लें। जैसे ये है मेरे पास मुलैठी, इसमें आपने हरड़ डाली है, बहेड़ा डाला है, बहेड़ा रखना है। यूं समझ लें कि ये इनफर्टिलिटी के लिए बेस्ट चीज है और बहुत आसान। हरड़, बहेड़ा, मुलैठी एंड आंवला, चार चीजें हो गई। अब आपने करना क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों ने एक गिलास अनार का जूस लिया है। ठीक है। अच्छा, बेहतर ये होता है कि आप अगर खा सकते हैं तो खा के इसके ऊपर जूस पी रहे हैं, लेकिन खाना से लोगों को पाउडर फंस जाता है, चिपक जाता है। तो आपने 1 टीस्पून जो है इसके अंदर डाला। ठीक है, मिक्स किया और ये पूरे सीज़न आप पी लें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर कोई बहुत ही सीवियर कंडीशन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये जो है ना मेल और फीमेल दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। जो भी प्रॉब्लम्स है अंदर वो सारी जो है वो दूर कर देगा, और ये सबसे आसान और फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है,
ये आपने इस्तेमाल करना। अच्छा, पीने का टाइम क्या है? अगर निहार मुँह पीते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो शाम असर के टाइम पिए। ओके, ये दो टाइम आपने रखना है। सोते वक्त नहीं पियेंगे अनार का जूस, ठीक है? ये आपने हैवी हो जाएगा ना? बिल्कुल, ये आपने सुबह निहार मुँह पी लेना है। और अगर सुबह निहार मुँह बहुत सारी चीजें दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पियेंगे, और कम से कम भी इसको कम से कम भी डेढ़ महीना आपने पीना, लाइक 40 डेज अनार का सीजन चल रहा है, इसको अवेल करें, इसको पीते रहिए। आपको देखेंगे इंशाल्लाह उन 40 डेज के अंदर ही अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छाई खुशखबरी सुनाएगा आपको इंशाल्लाह। ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपके पास है फटी हुई एड़ियां, हील्स। जी बिल्कुल। एक तो पेडिक्योर आपने बताया था, किसने बताया था? वो तो एक स्क्रब सॉर्ट ऑफ बताया था। अब ये फटी एड़ियां जो कि आपके पैरों को बदसूरत दिखा रही होती है, इसके लिए क्या? इसके लिए सबसे पहले वैसीन लेना है। हाँ, वैसीन आपने निकाल ली इस तरह, इसमें आप शामिल करेंगे। कुछ लोगों के तो खून निकलने लगता है एड़ियों से, बिल्कुल इतना सीवियर ड्राइनेस। इसमें मैं शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून से कम अनार के छिलके का पाउडर, ठीक है? इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर ऑयल, तो ना सिर्फ हीलिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा बल्कि वो फिलअप भी कर देगा। हाँ। और आप देखें नकल्स भी डार्क होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और 1/2 टीस्पून में इसमें शामिल करूंगी सिरप जिंक। अच्छा, जिनको जिंक ना मिले, क्योंकि वो हीलिंग बहुत तेजी से आता है, बहुत डीप कट्स पड़ते हैं। हाँ। जैसे बताया था पहले, डर्माटाइटिस, एक्जिमा और सोराइसिस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है? उसके लिए ये बेहतरीन है। अगर फिर भी इससे भी ना सही हो तो आप इसमें सैलिसिलिक एसिड डाल सकते हैं, बीटा सैलिक लोशन के नाम से आता है, और फौरन आपकी रिकवरी होगी। ये रात में लगा कर ऊपर से जो है थैली बांध लीजिए या मोजा पहन लीजिए, थोड़ी देर पहन के सो जाइए, आधे घंटे के बाद उतार दीजिए। ओके। और फिर जो है वो लगे रहने दीजिए, सुबह वॉश करेंगे, 2 से 3 दिन में फटी एड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। बेहतरीन चीज़ें ये, देखें ऐसे बना के रख लेना। हाँ। और फिर ये इस तरह जल्द होगा, और ये फिल करता है लाइंस को, लाइंस को जब फिल करता है तो खुद ब खुद जो क्रैक्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है। अच्छा, आपके पास जो है वो हेयर मास्क है, आपके पास कफ सिरप है, है ना? मैंने अगर जल्दी, मुझे प्रोग्राम लाइक ब्रेक पे जाने से पहले अगर मुझे जल्दी जल्दी जी, जल्दी बता देता हूं आपको, वो पेपर बहुत लंबा टाइम लगेगा। अच्छा, मुझे हेयर प्रोटीन मास्क में बहुत आसान बता दूं, उसका नाम है प्यार। हाँ। प्यार है, पे से है पोमीग्रेनेट जूस है 1 चम्मच, वाई से है योगर्ट 1 चम्मच, ठीक है, जो कि आसान है। ए से है एलोवेरा जेल, ठीक है? है, और आर से है रोज वाटर। ये 4 चीजें बहुत आसान है, रोज वाटर, एलोवेरा जेल, दही एंड पोमीग्रेनेट जूस। जी, इसको आप मिक्स करके इसको भी नहाने से पहले, ठीक है, आधे घंटे पहले अपने बालों पे पूरे जड़ों में लगा दिया। अगर आप तेल नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसको लगाइए, क्योंकि इसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। आधे घंटे मास्क लगा के आप छोड़ दीजिए बालों में, फिर आप वॉश करें उसको अपने आप, बिल्कुल न्यूट्रल से शैम्पू से वॉश करें तो आपको बहुत फायदा होगा इससे, क्योंकि आपका सारा प्रोटीन बैलेंस हो जाएगा, मिल जाएगा आपको प्रोटीन मास्क। लेकिन ये ख्याल रखिए आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, जो अंदर से आपको ठीक करता है। बहुत आसान जी, बिल्कुल। आपने अनार के जूस को गर्म करना, हल्का सा गर्म करना, नमक, पिंक सॉल्ट और काली मिर्च डालना और शहद डाल के पी लेना, और यहाँ रोक रोक के पीना। अच्छा, जैसे अब मुझे खांसी हुई है, अनार का जूस लिया, अनार के जूस को गरम किया, ठीक है, गरम, नीम गरम पीना, ठीक है, ठीक है, उसमें आपने काली मिर्च पिंच डाला और पिंच ही जो पिंक सॉल्ट है वो डाला, और फिर आपने इसमें 1 चम्मच शहद डाल दिया। अच्छा, शहद, बिल्कुल 1 चम्मच शहद से गला सही हो जाता है शहद। और क्योंकि अनार थोड़ा सा खट्टा होता है, अच्छा, अनार थोड़ा सा खट्टा होता है, खट्टास की वजह से अगर आपका गला खराब हो तो इस वजह से इसको हल्का सा आपने गरम पीना, नीम गरम आप पीना, और इसमें नमक और काली मिर्च डाल देंगे तो दोनों हीलिंग एजेंट है, तो आपके खराश को भी सही करेगा और खांसी को, उसको चाय की तरह पीना। अच्छा, मैं भी जब अनार का जूस पीती हूँ इस मौसम में, मैं अवॉइड करती हूँ कि वो बर्फ हो उसके अंदर, वो ठंडा हो, क्योंकि अगर अनार का जूस ठंडा खट्टा होगा तो वो ठंडा और खट्टा आपको उल्टा ही आपका गला खराब कर देगा। तो इसलिए बेहतर है कि अनार का जूस, जैसे बाहर रखे हुए अनार है उसे फ्रिज में भी ना रखें, फ्रिज में ना रखें, सुकड़ जाते हैं ना, तो वो मतलब लाइक निकला हुआ हो तो वो बहुत अच्छा है। बस इसी तरह रोकेगा बीमारी, मतलब वो विटामिन सी इतना है कि वो रोकेगा आपका नज़ला, खांसी, जुकाम। और बहुत गर्म नहीं करना, विटामिन सी को गर्म नहीं करते, बस आपने कुनकुना गर्म करना है ताकि आपको पीने में आसान। गॉड ब्लेस यू। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने के बाद थैंक यू आप लोगों का, सबका शुक्रिया। मुझे और बोला नहीं जा रहा, बस हिम्मत जवाब दे गई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अम्माओं परेशान मत नजर आओ, जो आप मेहनत करती हैं ना अपनी औलाद के लिए कि हाय किसी तरह इनको मैदा लगा दो चिकन पे, किसी तरह वो ब्रेड क्रम्स लगा दो, क्रिस्पी खाने बनाओ ताकि बच्चे बाहर का खाना ना खाएं, फिर भी आप हिम्मत हार चुकी हैं अब कि बच्चे फिर भी होम डिलीवरी करवा लेते हैं और आपका बजट आउट कर देते हैं, स्कूल जाते हैं और टिफ़िन बॉक्स खाली नहीं करके लाते क्योंकि उनको वो वाला बाज़ार जैसा खाना नहीं मिलता। तो अम्माओं परेशानी ख़त्म करो और क्रिस्पी फ्राई मंगाओ, और क्रिस्पी फ्राई की रेसिपीज़ को इन्हांस करने के लिए शेफ फरा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा भाई, क्रिस्पी फ्राई ऑल इन वन सॉल्यूशन है, ये एक ऐसी क्रंची रेसिपी है जो आपके खानों में रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्प और टेस्ट देती है। पता है 15 से 20 मिनट में झटपट इस तरह तैयार हो जाती है, बिल्कुल बन जाती है। अगर और हम और बाहर जैसा, बहुत ही इजी स्टेप्स होते हैं इसके, वो स्टेप्स जो हैं वो क्या हैं वो बताएंगे शेफ परा। बस ये बहुत ही एक तो मुश्किल घर वालों की और अम्माओं की बिल्कुल सॉल्व कर दिए क्रिस्पी फ्राई ने। जो बाहर जैसा रेस्टोरेंट जैसा मज़ा है, क्रिस्पी क्रंची जो बच्चों को चाहिए होता था, बड़ों को भी चाहिए होता था, तो बस बताती हूँ तीन स्टेप इसके बहुत आसान से हैं। जो रेसिपी आप दो दो घंटे में, तीन तीन घंटे में बनाते हैं क्रिस्पी फ्राई से, 15 से 20 मिनट में आप अपनी रेसिपी को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रिस्पी क्रंची चिकन फ्राइड। अच्छा वैसे इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, इससे फ्राइड अनियंस बन सकते हैं, पकौड़े बन सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज बन सकते हैं, वेजिटेबल वो भी आप क्रंची फ्राई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप। और फ्राइज तो साथ ही अच्छे ही बनेंगे, मतलब एक फ्राइज का बड़ा अच्छा तरीका है क्योंकि समझ नहीं आता लोगों को कि कैसे बनाएं। एक कंटेनर में आप क्रिस्पी फ्राई डालें, फ्राइज डालें और उसको शेक कर लें, और उसके बाद फ्राई करें, फिर इतना जबरदस्त इसका एक क्रंच जो है आपको बाहर वाला होता है वो आपको मिलेगा। अच्छा सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं ऑयल उसको गर्म कर लूँ, थोड़ा गर्म मैंने किया हुआ था। अच्छा ये क्या, इस रेसिपी का नाम क्या है? इस रेसिपी का नाम है क्रिस्पी क्रंची चिकन फ्राई। ओके, ये बोनलेस चिकन ले लिया। बोनलेस चिकन मैंने लिया, स्ट्रिप में कटा हुआ लिया है, और वही वाला जो आप बाहर जाके खाते हैं और आपका दिल चाहता है कि ये हमसे क्यों नहीं बनता, तो आपसे ही बनने वाला है। इसके तीन स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इसे मैरिनेट करेंगे। चिकन आप देख लें मैंने किस तरह से काटा है, स्ट्रिप में आप काट सकते हैं, आप चाहें तो क्यूब्स में काट सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छे तरीके का जैसे आप बाहर जाके खाते हैं वही वाला मैं आपको घर में मज़ा देने वाली हूँ। तो हमने इसमें ले लिया तकरीबन मेरे पास ये आधा किलो है, मैं यहाँ पर ये ले लेती हूँ, थोड़ा बहुत ले लेती हूँ आपको बताने के लिए, बाकी मैं साइड कर देती हूँ। अच्छा इसके अंदर हम इसके मैरिनेट करेंगे, बहुत आसान सारे घर की चीज़ें हैं इसके अंदर। मैंने इसमें अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून, इसके अंदर मैंने ले लिया लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून, उसके साथ ही काली मिर्च पाउडर है मेरे पास ये मैं ले लूँगी 1/2 टीस्पून, और इसके साथ पेपरिका मिर्च ये भी मैंने 1/2 टीस्पून, ठीक है। अच्छा हम जब मैरिनेट करेंगे तो इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, लेकिन जब हम इसका बैटर तैयार करेंगे, ड्राई बैटर में इसको डिप करेंगे, तो इसके अंदर हमने बिल्कुल भी कोई भी ड्राई मसाला शामिल नहीं करना क्योंकि क्रिस्पी फ्राई में ड्राई मसाले ऑलरेडी शामिल हैं। अच्छा। सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। ओके। तो बस मैंने इसको मैरिनेट कर लेना है, और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर सोया सॉस इसके अंदर डाल देना है, और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, इसका टेस्ट आ जाए। हाँ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद रह गए हैं अब दो स्टेप। तो स्टेप भी बहुत ही आसान है, इसको हम साइड कर देते हैं। अच्छा एक में हमने क्या करना है, ये मेरे पास क्रिस्पी फ्राई ये मसाला मिक्स पैकेट है, उसमें मैंने ड्राई मसाला डाल दिया और एक पैकेट और मैंने ले लिया, और इसमें भी ड्राई मसाला डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है, इसका बैटर तैयार करेंगे। सही, पानी डालेंगे उसका, अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे एक में। अच्छा एक को एक में पानी डालना है जी, और एक को ड्राई रखना है, बिल्कुल ड्राई रखना है। पहले देख लेते हैं कितना पानी हमें चाहिए, एक गाढ़ा सा अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी कोटिंग तैयार हो सके। ठीक है बस इतना, ठीक है मेरे ख्याल से कोटिंग हो जाएगी। अच्छा पकौड़ों में क्या बेसन भी डालना पड़ेगा इसके अंदर, पकौड़े अगर बनाने होंगे तो? पकौड़े आपने बनाने हैं तो पकौड़ों का बिल्कुल बेसन थोड़ा डालना होगा, फिर यही वाला बैटर आपने डाल के इसके अंदर आप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी से आपके पकौड़े बन जाएंगे। तो मैंने कर लिया, वरना ऐसा होता ना कि लाइक बेसन का पूरा लिक्विड बना लिया, उसके बाद इसको पाउडर को उसमें मिला सकते हैं तो क्रिस्पीनेस आ जाएगी।
पाउडर भी आप मिलाएंगे, जैसे बेसन का हमने ये मसाला तैयार किया है, इसके अंदर हमने पाउडर डाल दिया तो ऑलरेडी वो भी थोड़ा सा वेट हो जाएगा, पकौड़े के मसाले में शामिल हो जाएगा, फिर इसे बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी पकौड़े हमारे मजेदार से पकौड़े बनेंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे चिकन को जो स्ट्रिप्स को मैरिनेट किया था, इसको पहले हमने सबसे पहले ड्राई, अच्छा ड्राई लगाया, बिल्कुल ड्राई लगाना है, सबसे पहले हमने ड्राई लगाना है, अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है और इसको थोड़ा सा प्रेस करके ताकि अंदर से भी जो क्रंच आता है ना वो आपको मिले, ठीक है। इसको हमने इस तरह से करके फिर हमने इसमें इसके बैटर में हमने डिप किया और इसको हमने बस फ्राई किया। अच्छा, बस दो स्टेप बस और तीसरा स्टेप फ्राइंग का, हाँ वो है मैरिनेशन का। अभी देख लेती हूँ ये, अगर जी बहुत अच्छा, हमारा ऑयल जो है ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होगा तो वो फ्राई नहीं होगा, सही लग रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। इसी तरह से सारे स्टेप्स, चिकन स्टेप्स को आपने उठाना है और एक एक करके आपने इसे इस तरह से फ्राई कर लेना है, और एक साइड से पक जाए तो फिर आपने इसको पलटना है, क्योंकि फिर इसकी कोटिंग जो है वो निकल ना जाए, अगर कच्चा होगा तो कोटिंग निकल जाएगी, लेकिन आपने इस तरह से पकाना है। बहुत ईजी, बहुत आसान है। यहाँ आपके बच्चों ने फरमाइश की, यहाँ आपने ये रेसिपी तैयार कर ली, जल्दी से तैयार कर ली, बिल्कुल भी मुश्किल ये नहीं है। तो इसको मैं एक एक करके सारे फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, अब फ्राइड अनियन है जैसे, उसका तरीका बताएं वो कैसे बनेंगे? प्याज काटे ऐसे लच्छे वाले, इसमें काटे थोड़े से मोटे काटे, अच्छा थोड़े वाले थोड़े से मोटे काटने, ठीक है। इसी तरह से आपने ड्राई मसाला में, क्योंकि इस मसाले जो हमारे क्रिस्पी फ्राई का पैकेट है उसमें सारे ड्राई, उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक सब शामिल है इसके अंदर। अच्छा, तो आपको कोई और चीज डालने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, उसका टेस्ट आपका कोटिंग का वही आएगा जो आप अपने घर में सारे मसाले डाल रहे होते, समझ नहीं आ रही तो फोन कर रहे होते अपने फ्रेंड्स को, कजन को, क्या ऐड करूं क्या करूं, टेस्ट नहीं आ रहा उसके अंदर। मैदा मिलाते हैं और चीजें मिलाते हैं, ये सारे टोटकास्ट पूछते रहते हैं कि कैसे होगा भाई, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये करें और उसको आपने फ्राई करते जाना है, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस आप इसको निकाल दें, इंजॉय करें, बच्चों को खुश करें, बच्चे खुश तो आप खुश। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, आप इसे स्नैक टाइम पे ले सकते हैं, बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, वेजिटेबल्स बच्चे शौक से नहीं खा रहे होते, भाग रहे होते, लेकिन कितना ज़रूरी है वेजिटेबल्स की खुराक आपके बच्चों के अंदर जाना, और उनको छुपा के वेजिटेबल्स को आप अंदर जो है ऊपर से ये कोटिंग कर दें, ब्रोकली खिला सकते हैं, कैबेज खिला सकते हैं, पालक जो है उसके बड़े मज़ेदार बनेंगे पकौड़े टाइप, तो ये वाली चीज़ें जो है ना बच्चों को खाना बहुत ज़रूरी है उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। तो क्रिस्पी फ्राई आपको एक ये मौका दे रहा है कि आप अपने बच्चों को रेस्टोरेंट जैसा वो जायका होता है ना, जो एक रेस्टोरेंट में मिलता है, नहीं हमें तो वहाँ से खाना, हमें फलाना ब्रोस्ट खाना है, वो आप घर पे बना के दे सके, इससे आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि इसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, प्राइस भी बिल्कुल भी नहीं है, और ये सारी हलाल चीज़ों से बना हुआ है। हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसे खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं और आपके बच्चों की सेहत पर कोई नुकसान नहीं देगा। तो ये देखिए कितने अच्छे इसके जो क्रंच जो इसके बने हुए हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखेंगे। अब आप ये बताइएगा ज़रा निकालना कब है, क्योंकि ख़वातीन जब इसको चूल्हे से ऊपर से उतार लेती तब भी इसमें इतनी हीट होती कि ये फ्राई और होता रहता है उतारने के बाद, बिल्कुल देखिए ऑयल कलर डार्क हो जाता है, डार्क हो जाता है, हमने अब जब ये गोल्डन निकाल गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, ये येलो है ना ये काले हैं, ये गोल्डन ब्राउन कलर के हैं, इसको आपने निकाल लेना है, ये सही वक्त है। अच्छा, अगर आपको परफेक्ट चाहिए कि बहुत जल्दी बन जाए, इसके कलर्स भी अच्छा आ जाए, तो मैंने तो आपको बताने के लिए इसकी जो मैरिनेट किया था उसको मैंने फ़ौरन से आपको फ्राई कर दिया, लेकिन आप इसको मैरिनेशन का जो टाइम है वो एक घंटा दे दें, एक घंटा देंगे तो उसका जो जितने भी सारे मैंने चीज़ें शामिल की थी वो उसका अंदर तक उसके सारे स्पाइस चले जाएंगे, वो बड़ा ये एक अच्छा जूसी सा ये आपको टेस्ट देगा, वो गल भी जाएगा, गल भी जाएगा, फ़ौरन से गल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा जूसी सा इसकी कोटिंग जो होगी वो क्रंची सी होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी, अंदर से वो बहुत जूसी सा होगा। अच्छा, तो ये भी बताएं फ्लेम कितना रखना चाहिए कि वो ये वाला कलर है ना रेस्टोरेंट जैसा कलर भी तो आना चाहिए। देखिए इसका तेज़ फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, मीडियम पहले आपने मीडियम में रखे, फिर मीडियम से भी लो करते हैं आप उसको, आपने तेज़ नहीं रखना, तेज़ से क्या होगा ये जल तो जाएंगे लेकिन पकेंगे नहीं अंदर से, वो कलर भी आपको नहीं देगा, क्रंच भी आ जाएगा, बट क्या है कि हमारा जो फूड है हमारा चिकन है वो गलेगा नहीं, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो बहुत मीडियम कोई भी चीज़ आप फ्राई करें, इवन ये कि आप अपने पकोड़े भी घर में सिंपल फ्राई करें तो उसको भी मीडियम आपकी आंच होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए। पता है घर में क्या होता है ना, आपके अगर तीन बेटियां हैं तो एक की एक्सपर्टी चाय बनाना, एक की एक्सपर्टी अच्छा फ्राई करना, एक अच्छी रोटी बनाती है, मगर क्रिस्पी फ्राई की मदद से ये मसला हल हो जाएगा क्योंकि आप सब एक जैसा फ्राई कर सकती हैं चीज़ों, बिल्कुल सारी चीज़ें एक जैसी फ्राई कर सकते हैं और मजे लेके खाएं। और देखिए कितना आसानी से मैंने इसमें बना लिया है, और
चाय पे दें, चाय पे दें, लंच बॉक्स में दें, और आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपकी समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं, तो जल्दी से उसको बना सकते हैं। और वैसे निदा ने बताया कि बहुत सारी चीजों को हम यूज करते हुए हम इसको बना सकते हैं। तो क्रिस्पी फ्राई ने कर दी है बहुत सारी खवातीन की मुश्किल आसान। ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।